गुड मॉर्निंग क्लास, आवाज आ रही है गुड क्लियर? मॉर्निंग सर। यस सर। ऑडियो में यस सर। प्रॉब्लम बताओ, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ दिख रहा है क्या? बताइए प्लीज। नो सर, प्रॉपर है। नो सर। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और मतलब कल लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सिलॉक्स पढ़ा था ना, बेसिक का। लास्ट लेक्चर हमने बेसिक का पढ़ा था सिलॉक्स, हाँ बट सर, यस सर। आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बैंकिंग का नया पोर्शन आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। बैंकिंग तो और ऐसे सब का आज नया स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का नया टॉपिक सिलॉक्स नहीं होगा, आज का नया टॉपिक इनइक्वालिटी होगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इनइक्वालिटी से। हाँ, या फिर सिलॉक्स कब होगा? इनइक्वालिटी बाद में होगा, इनइक्वालिटी हेलो होगा। सर। हाँ बोलो, देख लीजिए बोलो। सर एसएससी का रीजनिंग का कभी से होगा? दो ये अभी चैप्टर बैंकिंग, दो। देखो बैंकिंग का भी एग्जाम चालू है, तो बैंकिंग का भी चालू होगा। बैंकिंग का जैसे पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, देन एसएससी का, क्योंकि एसएससी का ऑलरेडी हो चुका है। मेरा नहीं हुआ है सर। आप लेट लेट आए ना सर, अभी आपने एडमिशन लिया ना? एडमिशन लेके कितना दिन हुआ? 1 month हुआ है सर। फिर वही बात है ना, 1 month ही हुआ है ना। होगा एसएससी का, वैसे भी हम लोग सिलॉक्स आपने पढ़ा है, सिटिंग अरेंजमेंट, वो सब एसएससी का ही पार्ट है, वो भी हो रहा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से इनइक्वालिटी का। देखो इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप जब भी बैंक का एग्जाम देने जाओगे, कितने लोगों ने क्लरिकल का फॉर्म भरा है? अभी जो अगस्त में, ये नेक्स्ट मंथ में है, कितने लोगों ने भरा है फॉर्म? कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? किसी ने नहीं भरा? आपको मेरी सर आवाज आ रही इसमें इसमें मोस्टली सब नए वाले ही है। है? नए वाले हैं, ठीक है। चलो देखो, इनइक्वालिटी अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, अगर आपने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये चैप्टर से, ये पर्टिकुलर चैप्टर से आपको 2 से 5 मार्क के बीच में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जितने लोगों ने अभी भी एसबीआई दिया था, कोई है ऐसा जो एसबीआई दिया था? कोई है? नहीं कोई नहीं है। कोई नहीं सर। सब मैंने दिया था, प्रिंसिपल। दिया था ना, इनइक्वालिटी आया था, हाँ प्रिंसिप, सर आया था, हाँ सर कितने आया मार्क्स के लिए था, आया था? शायद 3 मार्क्स के लिए आया था सर। 3 मार्क्स के लिए आया था। तो 2 से 5 मार्क के बीच में ये इनइक्वालिटी चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और देखो ये चैप्टर बहुत इजी होता है, स्कोरिंग होता है, और 100% मार्क्स आपके हाथ में रहेगा। तो देखो अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूँ, तो ये 3 टाइप्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। पहला जो टाइप्स होता है वो होता है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट की हम प्रैक्टिस करेंगे। देन जब सिंपल स्टेटमेंट का प्रैक्टिस हमारा हो जाएगा, देन हम लोग डॉट कॉमा वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। ये डॉट कॉमा वाले स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद, देन लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कोडेड, और देन हमारा इनइक्वालिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये 3 टाइप के बाहर आपको इनइक्वालिटी से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस ठीक है। और रही बात पैटर्न की, देखो पैटर्न की बात करूं मैं आपको, पैटर्न कैसे आता है इसका एग्जाम में। जैसे अगर आप एग्जाम देने गए, तो एग्जाम में इसका पैटर्न कैसे आएगा, आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, कोई भी स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल ले लो, स्टेटमेंट गिवन होगा, और आपको कंक्लूजन गिवन होगा। मिनिमम 2 कंक्लूजन तो दिए होते हैं, मिनिमम 2 कंक्लूजन आपको दिए होते हैं। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट भी गिवन है, कंक्लूजन भी गिवन है। आपको क्या करना है, कंक्लूजन देखना है, स्टेटमेंट से मैच करना है, क्या वो करेक्ट होए या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को टिक करना है। और देखिए ऑप्शंस कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ। बैंकिंग में ऑलवेज याद रखना आप लोग, बैंकिंग के एग्जाम्स में 5 ऑप्शंस आते हैं, और एसएससी के एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस आते हैं, याद रखना। पहली बात, अगर मैं बैंकिंग के ऑप्शंस ले लूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं बैंकिंग ले लूंगा तो एसएससी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। देखो यस सर। अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ,
और मेरा फर्स्ट वाला कंक्लूजन राइट हो गया एंड सेकेंड वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, देन ऐसे कंडीशन में जहां पे भी ऑप्शंस में गिवन होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, वहां पे मुझे टिक करना है। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट वाला कंक्लूजन राइट हुआ और सेकेंड वाला रॉन्ग हुआ। बट अगर इनकेस सेकेंड वाला राइट हो गया एंड फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, देन ऐसे कंडीशन में जहां पे भी ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो लिखा हो वहां पे टिक कर देंगे। क्लियर? जहां पे अगर दोनों कंक्लूजन राइट हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, देन बोथ फॉलो पे टिक करेंगे। बोथ फॉलो का मतलब होता है दोनों ट्रू है हमारा, दोनों। और दोनों रॉन्ग हो गया, देन ऐसे कंडीशन में हम लोग जहां पे भी ऑप्शन लिखा हो नाइदर वन नाइदर वन और सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, नाइदर वन नॉर सेकेंड कंक्लूजन फॉलो का मतलब ये होता है ना तो पहला फॉलो हो रहा है ना ही दूसरा वाला फॉलो हो रहा है, मतलब नन फॉलो हो रहा है, कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। और लास्ट ऑप्शन होता है आइदर वन और सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। इसके कुछ रूल्स है जो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो देखो लास्ट वाला क्या लिखे, आइदर वन और सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। देखो हमने ये इनइक्वालिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने इनइक्वालिटी चैप्टर के बारे में थोड़ा समझ के लिया कि इसका वेटेज कितना होता है, एग्जाम से मार्क्स कैसे आते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं और इसके पैटर्न कैसे आते हैं, ऑप्शंस कैसे आते हैं। जस्ट एक मैंने आपको समरी दिया यहाँ पे। इसमें किसी को पूछना है, कोई डाउट है, कोई है किसी को डाउट पूछिए। सर एसएससी का चैप्टर तो नहीं है ना? नहीं एसएससी का नहीं, ओनली बैंकिंग। इससे मैंने ओनली बैंकिंग लिखा है। किसी को डाउट है? एनी डाउट? नो सर हो गए। रफ कर दूं? सर एक मिनट, सर दो मिनट नोट कर ले। बाकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ना सभी लोगों को? यस सर। यस सर हो गया। हो गया? विशाल हो गया? नहीं सर अभी नोट कर रहा हूँ। हेलो सर। हाँ दिग्विजय बोलो। सर एसएससी में लेकिन तो हमको तो दो ही चैप्टर यहाँ पे दिया है कोर्स मॉनिटर में। तो कोर्स मॉनिटर में दो ही चैप्टर? कौन सा? हाँ एसएससी का रीजनिंग का। रीजनिंग में दो ही चैप्टर है करके ऐसा बोला है क्या? ऐसा उसमें मेंशन किया है? नहीं नहीं समझा नहीं मुझे, मतलब रीजनिंग में दो चैप्टर नहीं है, ज्यादा है एसएससी का। ओके आप टेंशन मत लो, मैं कवर कराऊंगा। ठीक है। एंड सर लास्ट टाइम एक अलग चैप्टर लिए थे आपने, तो वो नहीं होगा या और कंटिन्यू करना? नहीं ऐसे वो कंटिन्यू होगा। एक्चुअली क्या हो गया कि हमें जरा सा मतलब मैनेजमेंट ने बोला कि नए सिरे से स्टार्ट करना है क्योंकि अभी न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है और एग्जाम भी नजदीक है, तो इसके वजह से हम लोगों ने वो स्किप किया और ये स्टार्ट किया, एक बैच नया स्टार्ट किया। तो ये मॉर्निंग का बैच नया है पूरा सबके लिए। तो और वो जो आसिफ हुआ है ना वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। इसके बाद वाला लेक्चर में वही लेने वाला हूँ फिर से। ओके सर। चलो हाँ बबीता क्या हुआ? नेक्स्ट लेक्चर कौन सा लेने वाले हो आप? सिलॉग का? सिलॉग ले लूंगा मैं। ओके ओके फिर इनइक्वालिटी वापस से आधा हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? आधा नहीं होगा, इसको कंप्लीट करने के बाद, इसे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर, लेक्चर नहीं चैप्टर फर्क है। चलो रफ कर दूं? यस सर। विशाल रफ कर दूं? हो गया ना? यस सर। देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी चैप्टर से ना सारे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग चार रूल पे। ये चार रूल है क्या, वन बाय वन देखेंगे। देखो रूल नंबर वन हमारा क्या कहता है? रूल नंबर वन ये हमारा कह रहा है कि इनइक्वालिटी का जो सिग्नेचर होता है वो सिर्फ
तीन होता है, मेजर सिग्नेचर एक्चुअल तीन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नेचर मिला के पांच होता है। वो कौन कौन से साइन है देखेंगे यहाँ पर, ये साइन है ग्रेटर का, ये साइन है लेस देन का, ये होता है इक्वल का साइन। मेजर साइन तो एक्चुअल तीन ही है इन इक्वालिटी में, बट कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नेचर होता क्या है, देखो अगर मैं ग्रेटर और इक्वल को कंबाइन करूं तो क्या इस तरीके का ग्रेटर देन इक्वल का साइन बनता है या नहीं बनता है? बनता है सर। बनता है सर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, सेम थिंग लेस देन और इक्वल को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो लेस देन इक्वल का साइन बनता है, बराबर? यस सर। तो हमने देखा ये रूल नंबर वन में कि इनइक्वालिटी ये पांच साइन पर बेस्ड होता है और इसके बाहर कोई भी साइन आपको बिल्कुल भी पूछे नहीं जाएंगे। तो रूल नंबर वन क्लियर है, किसी को पूछना है इसमें कुछ डाउट है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर टू में। रूल नंबर वन में तो हमने ये देख लिया कि इसमें जो सिग्नेचर बेस्ड होता है, अब सिग्नेचर में हम लोग ये देखेंगे कि रूल नंबर टू में कि बड़ा सिग्नेचर कौन सा होता है। देखो यहाँ पे पूरा ध्यान देना, यहाँ पर रूल नंबर टू में अगर सिग्नेचर के कंपेयर करने की बात जब भी आती है रूल नंबर टू में, जैसे यहाँ पे आ गया ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल आया, तो देखो बार बार मैं साउंडिंग क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर ही कर रहा हूँ ना, बार बार मेरे मुंह से आवाज आ रही है ग्रेटर। देखो ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, अगेन ग्रेटर रिपीट किया मैंने और इक्वल किया, इस टाइम पे मैंने इक्वल के टाइम पे ग्रेटर वर्ड यूज नहीं किया, बट मुझे पता है कि इक्वल की कोई वैल्यू होती नहीं है, इक्वल सबसे छोटा होता है, तो बार बार मैं ग्रेटर साउंड कर रहा हूँ। मतलब ये जो सारे जो तीन साइन है, ये तो तीन साइन है वो पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है, मतलब ये एक ही ग्रुप का साइन है, और जब एक ग्रुप का साइन होता है तो ही हम कंपेयर कर पाते हैं कि जैसे यहाँ पे बड़ा साइन कौन सा होगा, छोटा साइन कौन सा होगा। तो जैसे एक ही फैमिली में अगर कोई रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पांच लोग एक फैमिली में रहते हैं, तो हम उसे बता सकते हैं ना कि बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, बता सकते हैं कि नहीं एक ही फैमिली का? अगर बट अगर दो फैमिली हो जिसको आप जानते नहीं हो, ये दूसरी फैमिली का है, मिस्टर एक्स फैमिली का है, ये मिस्टर वाई फैमिली का है, तो आप इसमें कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन होगा, क्योंकि मुझको जानते नहीं, जानते नहीं एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पर तीन साइन अगर दिया है और ये एक ही ग्रुप का साइन है, जैसे यहाँ पे ग्रेटर ग्रुप का साइन है, बार बार साउंडिंग ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, तो याद रखिए कंपैरिजन तभी होगा जब ये एक ही ग्रुप का साइन होगा, तो ये हमारा एक ही ग्रुप का साइन है, फिर कंपेयर करेंगे तो बड़ा साइन ऑलवेज आपका ग्रेटर होगा, उससे छोटा साइन हमारा सेकंड रैंक पे ग्रेटर देन इक्वल होगा, एंड द लीस्ट रैंक पे होगा हमारा इक्वल। जैसे ये यूज कब होगा, जैसे मैं समझाना चाहूंगा आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपको दो सिग्नेचर मिल गया, जैसे मिला ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल, और ऑलवेज आपको बड़ा साइन पिक करना है, तो इन दोनों में से आप किसे पिक करोगे साइन को, मुझे बताओ? ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर आएगा क्योंकि ग्रेटर बड़ा है। अगर ग्रेटर देन इक्वल दिया हो, इक्वल दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर और इक्वल दिया हो तो ग्रेटर देन, तो भी ग्रेटर, एग्जैक्टली। तो कंपैरिजन याद रखिए कि कंपैरिजन जो होगा वो होगा पर्टिकुलर ग्रुप से, तो ग्रेटर ग्रुप का तो हमने देख लिया कंपेयर करके, अब लेस देन का भी तो देखना पड़ेगा, तो लेस देन इक्वल और इक्वल, यहां पर देखिए लेस देन इक्वल और इक्वल, यहां पर भी वही कंडीशन अप्लाई करना है, लेस देन हमारा फर्स्ट रैंक पे होगा, लेस देन इक्वल सेकेंड पे, एंड लिस्ट रैंक होगा इक्वल का। तो रूल नंबर टू में हमने ये सीखा कि अगर पर्टिकुलर ग्रुप का सिग्नेचर गिवन हो देन उसी कंडीशन में कंपैरिजन होगा। अगर पर्टिकुलर ग्रुप का सिग्नेचर, जैसे ग्रेटर ग्रुप का सिग्नेचर दिया है, तो ग्रेटर ग्रुप में हम ये बता सकते हैं कि बड़ा साइन कौन सा, छोटा साइन कौन सा है। अगर स्मॉलर ग्रुप का, लेस देन ग्रुप का सिग्नेचर दिया है, तो लेस देन ग्रुप में ये बता सकते हैं बड़ा साइन कौन सा होगा, छोटा साइन कौन सा होगा। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है रूल नंबर वन और टू में? नो सर। अरे लॉस्ट का एक बार बताओ ना, सेकंड ये वाला। हाँ देखो, लेस देन इक्वल और इक्वल, इसमें से बड़ा सिग्नेचर
लेस देन, जैसे यहाँ पे वाला, यहाँ पे उससे छोटा सिग्नेचर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल था, और इक्वल सबसे छोटा सिग्नेचर होता है. सेम वही कंपैरिजन करना है, जैसे यहाँ पे लेस देन दिया है और लेस देन इक्वल दिया है, तो आप किसे चूज करोगे? लेस देन. लेस देन. और यहाँ पे लेस देन इक्वल और इक्वल दिया हो तो लेस देन इक्वल. सिंपल वही है जो आपने ग्रेटर देन में सीखा था. क्लियर दिग्विजय? यस सर. क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है? न्यू स्टूडेंट, एनी डाउट? नो सर. ओके चलो थर्ड पे आते हैं हम. यहाँ पर देखो, फर्स्ट और सेकंड तो हमने सीख लिया, थर्ड पे हम लोग ये सीखेंगे. जरूरी है क्या कि हर बार हमें पर्टिकुलर ग्रुप का सिग्नेचर मिले, जैसे हम कंपेयर करें और हम लोग डायरेक्ट आंसर टिक कर ले? जरूरी है? नहीं जरूरी है. नहीं जरूरी नहीं. तो अगर सपोज करो, अगर दोनों ग्रुप के साइन आ गए तो क्या करेंगे? जैसे एक ग्रुप का साइन आएगा, पर्टिकुलर ग्रुप का साइन आएगा, तो कंपेयर कर लेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. बट अगर दोनों ग्रुप का साइन आ गया तो, जैसे ग्रेटर आ गया, देखो और एक बात बता रहा हूँ, इक्वल को छोड़कर इक्वल की कोई वैल्यू होती नहीं है. ग्रेटर आ गया, ग्रेटर देन इक्वल आ गया, यहाँ पे लेस देन आ गया और लेस देन इक्वल. तो जब ये साइन आ गया तो आप यहाँ पे कंपेयर कर पाओगे कि इसमें से बड़ा साइन कौन सा है? सर ग्रेटर ना. आप बोलोगे ग्रेटर, यहाँ से बोलोगे लेस देन भी तो फर्स्ट रैंक पे आएगा ना. हाँ तो कंपेयर नहीं होता. जब भी कैंसिल हो जाएगा साइन आता है. मिक्स, यस करेक्ट, कैंसिल हो जाएगा. मिक्स ग्रुप का जब साइन आता है, जैसे मिक्स ग्रुप का साइन मतलब ये ग्रुप का साइन प्लस ये ग्रुप का साइन, दोनों ग्रुप का अगर साइन आता है, मिक्स होता है, देन ऐसे कंडीशन में हमारा काम और भी आसान हो जाता है. हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कैंसिल कर देना है, सिंपल कैंसिल करना है. और जो कंक्लूजन जो मैंने बताया था ना, स्टेटमेंट दिया होता है, कंक्लूजन दिया होता है, नॉट फॉलोड, वो नॉट फॉलोड, नॉट फॉलोड, सिंपल, नॉट फॉलो करना. क्लियर? रूल नंबर 1, 2, 3. किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए. नए स्टूडेंट जितने भी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी लोगों को नहीं जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग मतलब बेहिचक डाउट पूछ सकते हो. कोई डाउट, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा, आप जब तक बोलोगे ना तब तक मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, फिर आपको, मुझे ऐसा लगेगा कि आपको क्लियर हो रहा है. आप पूछ लीजिए, कोई डाउट है? नो सर, इसमें नहीं. ठीक है. एंड लास्ट रूल है, और वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 4, जिससे हम लोग ये तीनों रूल कवर करेंगे. रूल नंबर 4 में दो रूल आते हैं, एक आता है ए एंड एक आता है बी. सब रूल है इसके. देखो रूल नंबर 4 में हमें ये देखना है, सपोज करो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो सिग्नेचर गिवन है ऊपर टॉप पे, जो सिग्नेचर गिवन है यहाँ पर, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होता. बट अगर वही चीज हम लोग राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो जो ऊपर सिग्नेचर उसमें चेंजेस होता है. अब ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट है क्या, इसको हम लोग समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, यहाँ पे मैं फोकस लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना कि मैं कौन से डायरेक्शन में लिख रहा हूँ. इसको हम लोग सीधा हैंड बोलते हैं ना, सीधा हैंड बोलते हैं हम सभी लोग. इसी तरीके से लिखते हैं सीधा हैंड से, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. अगर हम लोग सीधा जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा जो सिग्नेचर होगा एज इट इज होगा, मीन्स सीधा होगा. बट अगर मैं फोकस को इस तरीके से लिखूं, तो मैं क्या लिख रहा हूँ बताओ मुझे? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट. तो मैंने उल्टा लिखा ना, उल्टा लिखा. तो जब भी हम उल्टा जाते हैं तो हम लोग सिग्नेचर को उल्टा करते हैं. ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का डेफिनेशन. बट अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ. इस तरह बोर्ड विजिबल है, प्रॉपर दिख रहा है सबको? यस सर. यस सर. हेलो. फॉर एग्जांपल, हेलो, बोलो. सर विकास, सिर्फ पूछना था सर, ये इनइक्वालिटी 11:30 वाले लेक्चर में हो गया ना, दोपहर वाले लेक्चर में? सर मैं, मुझे तो ऐसा याद नहीं है, लेकिन आफ्टरनून के बैच में सेटिंग अरेंजमेंट चल रहा है. हाँ, उससे पहले इनइक्वालिटी 3 पार्ट में हुआ है. इनइक्वालिटी
आफ्टरनून का बैच टोटली डिफरेंट है और मॉर्निंग का थोड़ा अलग है. मॉर्निंग अलग है, आफ्टरनून में हो गया है, हो गया होगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई स्टूडेंट है जो तीनों बैच अटेंड करते हैं और यहाँ पे ऐसे कई स्टूडेंट है जो सिर्फ जॉब पे जाते हैं तो मॉर्निंग अटेंड करते हैं. और तो सबके लिए सेपरेट सेपरेट है, मतलब वैसा है अकॉर्डिंगली, मतलब सबको सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है. तो हम लोग ऐसे मर्ज, मतलब ऐसा ये नहीं कर सकते कि मतलब आफ्टरनून में हुआ है तो मॉर्निंग में नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है, सबका सेपरेट सेपरेट चलेगा. हाँ वो ठीक है, लेकिन मतलब हुआ है तो अभी लीव कर सकते ना. अच्छा मतलब कुछ, अच्छा आपका पोर्शन हुआ है तो आप लीव करना चाहते हो, ऐसा कह रहे हो. हाँ कोई बात नहीं विकास, आप लीव कर सकते हो अगर आपका हुआ है तो. अगर आप बैठना चाहोगे तो भी बैठ सकते हो. ठीक है चलो, यहाँ पे देखो सर डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के जो चैप्टर्स थे वो मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग और आफ्टरनून में हो चुके हैं पहला, तो अभी आप फिर से लोगे ना वो पूरा लेने वाला हूं. हाँ. इसलिए मैंने मॉर्निंग बैच न्यू स्टार्ट किया है, पूरा बैच स्टार्ट करना है, पूरा पूरा एकदम फ्रेश चैप्टर, फ्रेश मॉर्निंग. मॉर्निंग में एक्चुअली सब नए, सब नए मॉर्निंग में पूरा बैच. आज का पहला दिन है, बैंक एसएससी सबका पूरा नया बैच स्टार्ट हुआ है आज का दिन. और आज से कोई भी जितने भी लोग हैं छुट्टी मत मारना, बस छुट्टी मत मारना. इसमें कवर हो जाएगा जब मैं लूंगा ना, इससे कवर हो जाएगा. रेलवे, रेलवे तो हो गया ना, एसएससी मतलब रेलवे कवर हो गया ऑटोमेटिकली. हाँ एसएससी में रेलवे. और दूसरी बात छुट्टी मत मारना. अब हमारा मॉर्निंग का जो बैच है, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं 15 दिन मॉर्निंग करते हैं, बाद में एक दिन गैप हो गया फिर आफ्टरनून में आ जाते हैं, तो फिर पूरी मतलब दुनिया पलटी हो जाती है. तो मत करना, मॉर्निंग टू मॉर्निंग स्टिक हो जाना, मॉर्निंग टू मॉर्निंग चाहिए तो आफ्टरनून और इवनिंग एक्स्ट्रा अटेंड कर लेना, लेकिन मॉर्निंग को मत छोड़ना. अब नया स्टार्ट हो गया तो मॉर्निंग को पकड़ के रखो. चलो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्टेटमेंट दिया है ए ग्रेट, यहाँ पे ले लो जेड ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इक्वल टू ई ग्रेटर देन ए, ये फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आपको स्टेटमेंट दिया है. कंक्लूजन नंबर 1 दे दिया जेड ग्रेटर देन वाई, कंक्लूजन नंबर 2 दे दिया ए ग्रेटर देन इक्वल टू जेड. अब देखो यहाँ पे बोर्ड विजिबल है ना, क्लियर दिख रहा है बोर्ड? यस सर. ठीक है, रूल नंबर 1 देखो, ये मैंने कहा था ये जो साइन है ये साइन के बाहर कोई भी साइन नहीं. हाँ क्या बोल रहे हो बबीता, कुछ बोल रहे थे आप? बोर्ड विजिबल नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा. बोर्ड विजिबल नहीं है? नहीं नहीं दिख रहा है, स्लाइटली ब्लर है. बाकी लोग बताइए प्लीज, स्टूडेंट दिख रहा है सर? दिख रहा है, दिख रहा है सर. आई थिंक बबीता आपका नेट का इशू है, सबको दिख रहा है मतलब नेट का इशू है. देखो यहाँ पे ये मैंने कहा कि यहाँ पर रूल नंबर 1 में हमने देखा इनइक्वालिटी का जो सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर के बाहर कोई भी साइन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. आप देखो ये स्टेटमेंट में कहीं पे भी इसके बाहर सिग्नेचर है क्या? नहीं नहीं है. तो रूल नंबर 1 हमारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया कि इनइक्वालिटी ये सिग्नेचर पर बेस्ड है. ठीक है, अब देखो अब आ जाओ कंक्लूजन पे. अभी ये बात करते हैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की. देखो आपको इनइक्वालिटी चैप्टर ऑलवेज याद रखिए, आपको कंक्लूजन से ही पिक करना है क्वेश्चंस को. याद रखिए कंक्लूजन से ही आपको चेक करना है. आपने देखा कंक्लूजन में आपको Z टू Y में जाना है, Z टू Y में जाना है. तो आप क्या करोगे, आप पहले ये चेक करोगे कि Z कहाँ पर है. आपने देखा Z यहाँ पर है, आप यहाँ पे देखोगे Y कहाँ पर है, आपने देखा Y यहाँ पर है. आप कंक्लूजन में चेक करिए आपको जाना कहाँ पर है, Z टू Y में जाना है. ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखिए आप Z टू Y सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो? सीधा 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 जा रहे हो. और हमारा रूल क्या करता है, लेफ्ट टू राइट मतलब होता है सीधा, लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हो मतलब सीधा जा रहे हो. तो हमारा रूल ये कहता है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सीधा ही साइन रखेंगे. तो Z टू Y के बीच में जो भी सिग्नेचर आएगा उसे हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं. तो Z टू Y के बीच में क्या सिग्नेचर मिला हमें, ये मिला ग्रेटर और ये मिला ग्रेटर देन इक्वल. अब देखिए ये दो सिग्नेचर मिला कि नहीं Z टू Y के बीच में? हाँ सर. यस सर. ठीक है, अब आप ये देखिए ये जो दो सिग्नेचर मिला है हमें, ये दोनों सिग्नेचर
साउंडिंग क्या हो रहा है, ये मिक्स ग्रुप का साउंड हो रहा है, ये पर्टिकुलर ग्रुप का साउंड हो रहा है, देखो जरा पर्टिकुलर ग्रुप, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, बार बार ग्रेटर आ रहा है, और अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप क्या करो, ये साइन को एक बार यहाँ पर देख लो, एक ही ग्रुप का आ रहा है कि नहीं, देखो ये साइन है आ रहा है, आ रहा है, एक ही ग्रुप का है, देन हम लोग एक ग्रुप का आएगा तो एक ही घर से दो आदमी को हम लोग इन्वाइट नहीं कर सकते, ऐसा रूल है इनइक्वालिटी का, तो बड़े भाई को इन्वाइट करेंगे, तो इसमें से बड़ा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है, अगर जो सिग्नेचर हमने पिक किया और वो सिग्नेचर के अलावा कोई और सिग्नेचर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया होता इस तरीके से तो वो रॉन्ग हो जाता, क्लियर सबको समझ में आ रहा है, yes, sir. मतलब अगर हमें ग्रेटर मिला है और ग्रेटर दिया है तो राइट है, अगर ग्रेटर मिला और ग्रेटर मिला बट यहाँ पे कुछ और सिग्नेचर दे दिया फॉर एग्जांपल लेस देन ग्रेटर या इक्वल दे दिया, मतलब मान लो ग्रेटर को छोड़ के ये बाकी के साइन कितने भी दे दिए सब रॉन्ग हो जाएंगे, अगर हमें ग्रेटर मिला तो हमें ग्रेटर ही चाहिए तो ही राइट होगा, क्लियर, किसी को डाउट है, तो हमने क्या देखा, रूल नंबर 4A देखा कि हम सीधा जाते हैं तो साइन को एज इट इज रखते हैं, और रोल नंबर 2 भी हमने देखा कि अगर पर्टिकुलर ग्रुप का आएगा तो एक मतलब बड़ा साइन पिक करना है हमें, इसमें किसी को पूछना है कोई डाउट है, स्टूडेंट्स बताइए, नहीं सर, क्लियर सर, अगर ए ग्रेटर देन की जगह लेस देन होता तो स्टेटमेंट रॉन्ग होता ना, रॉन्ग हो जाता है, यस यस, हमें ग्रेटर अगर मिला है साइन तो ग्रेटर ही चाहिए, दैट्स इट, उसके अलावा कोई भी हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर एवरीवन, चलो आगे सेक्शन वाले पे आए, देखो सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है हमारा, ए टू जेड में जाना है, अब आप ऊपर वाले स्टेटमेंट में चेक करिए ए कहाँ पर है, आपने देखा ए यहाँ पर है, राइट टू लेफ्ट, जेड कहाँ पर है, देखो ए टू जेड जाना है, आप ए टू जेड उल्टा जा रहे हो, अब राइट टू लेफ्ट मतलब उल्टा जा रहे हो, मतलब साइन उल्टा करोगे ना, यस सर, तो साइन उल्टा करोगे, अब साइन उल्टा होता कैसे, देखो देखो यहाँ ग्रेटर का उल्टा लेस देन होता है, less than का उल्टा greater, greater than equal का उल्टा less than equal, और less than equal का उल्टा greater than greater than equal, equal का उल्टा equal ही होता है, equal है, तो समझ जाना इसका उल्टा इसका ये होगा और इसका उल्टा ये होगा, same thing, इसका उल्टा ये होगा इसका उल्टा ये होगा, opposite, अब देखिए a to z में जा रहे हो आप, अब यहाँ पे दिया है ग्रेटर, अब ग्रेटर उल्टा जा रहे हो, इसके लिए हमारा साइन उल्टा हो रहा है क्योंकि हमारा रूल ही यही कह रहा है, अगर जब भी हम उल्टा जाते हैं तो साइन को उल्टा कर देते हैं, तो देखो ए टू जेड अब जा रहे हो तो यहाँ पे दिया है ग्रेटर, अब ग्रेटर को हम उल्टा कर दें तो क्या बनेगा हमारा, लेस देन, लेस देन बरोबर की नहीं, और इक्वल हमारा एज इट इज इक्वली रहने वाला है, ठीक है, अब यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन इक्वल, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल जब हम उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, और यहाँ पे दिया है ग्रेटर, ग्रेटर उल्टा होकर क्या बन जाएगा, लेस देन ग्रेटर, अब देखो अब सारे सिग्नेचर को अगर आप रॉन्ग है कंक्लूजन सर, हाँ रॉन्ग है, लेकिन अगर हम सारे साइन जो हमें मिला है यहाँ पर, ये जो सारे साइन मिला है तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है या मिक्स ग्रुप है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर ग्रुप है, तो पर्टिकुलर ग्रुप है तो हमें कंपेयर करेंगे ना, लेस देन है किसी से बड़ा साइन कौन सा होगा, इसमें से बड़ा साइन क्या होगा फिर मुझे बताइए, लेस देन, लेस देन, लेस देन, बट हमें लेस देन मिला है बट यहाँ पे लेस देन है क्या, नहीं नहीं नहीं, तो हमारा हो जाएगा रॉन्ग, ये भी हमने देख लिया ये वाला पॉइंट, मतलब सर इनमें से सर इसके लिए मतलब ये कंफ्यूजन दोनों, जैसे आपने अभी जो मतलब चेक किया है, इसके लिए हमें पांचों रूल आना कंपलसरी है, यस आपको आना कंपलसरी, विदाउट रूल आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, यस सर, चलिए अब क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है पूछना है किसी को, नहीं सर कंटिन्यू, ठीक है, अब देखिए थर्ड कंक्लूजन मैं बनाता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो Z2I में जाना है,
z टू y में जाना है, आप मुझे बताओ z टू y में आप सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो? सीधा सीधा जा रहे हो, तो साइन को सीधा रखोगे आप? यस सर। यहाँ पे दिया है लेस देन और यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल तो ये पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है या मिक्स ग्रुप का साइन है? रूल नंबर थ्री हमारा क्या कहता है, अगर मिक्स रूप का साइन आएगा तो हमें क्या करना है, सिंपल कैंसिल करना है और जो कंक्लूजन दिया है ये वाला इसको रॉन्ग टिक करना है। क्लियर? तो हमने रूल नंबर सारे कवर कर लिए ऑलमोस्ट विद एग्जांपल के साथ। तो आप ये नोट डाउन कर लो और आपको अच्छा ये बताओ किसी को डाउट है इसमें पूछना है स्टेटमेंट में देखिए जेड कहाँ पर है, आपने देखा फिर आपने देखा वाई यहाँ पर है, तो जेड टू वाई में आप जाओगे तो आप देखिए सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो, पहले ये चेक करिए। सीधा सीधा जा रहे हो तो साइन एज इट इज इसके जो z to y के बीच में होगा उसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे आया लेस देन, यहाँ पे आया ग्रेटर देन इक्वल। देखो साउंडिंग अलग आ रहा है ना, एक बार लेस देन एक बार लेस देन हो रहा है, एक बार ग्रेटर देन हो रहा है, मतलब ये जो दोनों सिग्नेचर है ये दोनों अलग अलग ग्रुप का है, राइट? मिक्स ग्रुप का है कि नहीं? मिक्स ग्रुप है। तो ये रूल नंबर थ्री में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है कि नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, कर देंगे। और कंक्लूजन जो ये दिया है रूल कंक्लूजन नंबर थ्री ये रॉन्ग हो जाएगा, टिक कर देंगे। तो आंसर आएगा ओके फर्स्ट फॉलो। क्लियर एवरीवन? नाइस स्टूडेंट में आपको क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे क्वेश्चंस लेते हैं। और जितने भी नए स्टूडेंट है जैसे आपके नाम के आगे आपका ब्रांच जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है वो ब्रांच का नेम लिखा है सर। अनिश अनिश और गौरवी गायत्री नेहा आप लोग आपके नाम के आगे रेगिना प्लीज आपका नाम के आगे डाल दीजिए और सुधीर सर। हाँ बोलिए ना। हाँ कौन सा बोलो सर, आप बोल रहे थे ना अभी क्लेरिकल का फॉर्म भरेगा, कौन सा वाला बात कर रहे थे आप? अभी फिर क्लेरिकल का ग्रुप में तो नोटिफिकेशन नहीं आया सर। नहीं नोटिफिकेशन शायद आप डाला होगा ग्रुप में, लेकिन सर उसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, आने वाला है। नहीं 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 आया था वो शायद पोस्टपोन हो गया था सर। यस यस लेकिन प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि कभी भी आ सकता है, अचानक फूट सकता है क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ में ही था वो एग्जाम, तो अभी पोस्टपोन हो गया। कुछ तो वैकेंसी को रिलेटेडली कुछ तो हुआ है क्योंकि लैंग्वेज को लेके कुछ हुआ है, रीजनल लैंग्वेज को लेके कुछ हुआ है, तो वो जस्ट जब लोग अपडेट करके वापस देंगे आपको हो जाएगा। इसलिए हम लोग ने बैंकिंग का नया चैप्टर ये बैच स्टार्ट किया आज मॉर्निंग में। एग्जाम जो आज से ये चालू किया आपने हो जाएगा कंप्लीट? हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, मैं करा दूंगा। लेकिन आप लोग जैसे यहाँ पे मॉर्निंग बैच जितने भी लोग हैं आप 40 स्टूडेंट्स हो यहाँ पर, मॉर्निंग मत छोड़ना। प्लस ये याद रखना आज पहला दिन है तो कुछ भी हो जाए मॉर्निंग मत छोड़ना, चाहिए तो आप 10 मिनट लेट आओगे तो भी चलेगा लेकिन मॉर्निंग का बैच मत छोड़ना। और चाहिए तो एक्स्ट्रा लेक्चर बैठो, मतलब आफ्टरनून में बैठो इवनिंग भी बैठो लेकिन मॉर्निंग मत छोड़ना, बैच कंप्लीट हो जाएगा आपका। रोहित सर हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ मैंने फॉर्म भरा है सर, मतलब आईपीएस आरआरबी का भरा था मैंने। उसका तो शायद पीओ का भरा, किसका भरा? दोनों भी भरा था, पीओ था एंड असिस्टेंट समथिंग वो था, अभी 1 तारीख को एग्जाम भी। ओके ओके एंड प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। आप तो अभी मतलब एडमिशन नए आपने नया लिया ना एडमिशन? हाँ मैंने इसी मंथ में लिया है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप एग्जाम का माहौल देख के आ जाओ, देख लो जरा
कैसे आता है, कैसे लोग वहाँ पे कितने डेडिकेशन सब पढ़े करके आते हैं, देखो यार थोड़ा सा फील करो और फिर और भी मोटिवेशन मिलेगा आपको पढ़े करने का। देखो हाँ एंड सर एक पूछना था, मतलब जैसे मैंने पढ़ा था गूगल पे कि आफ्टर सिलेक्शन 6 मंथ का कुछ प्रोविजन पीरियड होता है समथिंग, मैंने कुछ वो बोलने के सर जी हाँ, मतलब सुबह का जो बैच चालू हुआ है ना सर, तो मैं सारे सब्जेक्ट का स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ। मैम मैं रीजनिंग में पढ़ाता हूँ, बाकी का तो मुझे अपडेट नहीं। रीजनिंग के सब चैप्टर, रीजनिंग के मैं रीजनिंग का मैं बता सकता हूँ मैम, बाकी का नहीं बता सकता मैं, बाकी का आपको पूछना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा था कि 6 मंथ का जो प्रोविजनल पीरियड होता है वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मैम, सैलरी आपको पूरी मिलेगी, काम से कोई निकाल नहीं सकता। और बोलने वाली बात है 6 मंथ तो ट्रेनिंग समझ कर रखो, कोई फर्क नहीं है। अच्छा मतलब ट्रेनिंग पीरियड जैसे यस सैलरी पूरी मिलेगी, डोंट वरी। नहीं वो बात नहीं, मतलब वो पीरियड में किसे आगे सिलेक्ट करते हैं या किसे? नहीं 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 सिलेक्ट वगैरह कुछ। सर पीओ की सैलरी का पैकेज कितना होता है? 30-35 तक रहता है। और निकाल नहीं सकते आगे, सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता मैम। एक बार आप क्लरिकल में लग गए तो प्रोबेशनरी पीरियड हो चाहे कुछ भी हो, आपको कोई निकाल नहीं सकता, उसके बाद कोई सिलेक्शन का प्रोसीजर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर हो गया लिखते हैं। की सैलरी का पैकेज कितना होता है? 35 to 38 ऐसा इन हैंड आता है, डिपेंड करता है बैंक से। स्टार्टिंग 35 से इन हैंड बोल रहा हूं मैं, इन हैंड बोल, बाकी अगर डिपेंड करता है अलाउंसेस का अलग रहता है, अलाउंसेस का अलग होता है, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, किसी बैंक में 1000-2000 का फर्क हो जाता है। रफ कर दूं मैं इसे? हेलो हेलो यस सर हेलो। हां ईशक बोलो ना। नहीं एक्चुअली मैं वो पूछेगा था कि इसमें ग्रेजुएशन मतलब कंपलसरी है, मतलब एग्जाम देने में? यस यस कंपलसरी है। नहीं अगर मतलब मेरा ग्रेजुएशन तो हो जाता है, काफी साल हुए मतलब लेट हो गया तो, बट मेरे को ये जानने का था कि अभी मतलब अभी एग्जाम आता है इसका, अभी हम लोग का पोर्शन कंप्लीट होगा, तो मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो मतलब मैं एग्जाम दे सकता हूँ क्या, वो पूछ रहा हूँ। नहीं अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। ग्रेजुएशन अगर आपका हुआ है तो आप दे सकते हो एग्जाम। ओके चलो रफ कर दूं मैं स्टूडेंट यहां पे। यस सर। सर ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं क्या? सर कैसा है कि ऑफलाइन का तो अभी तक पता नहीं है, ट्रेन का तो इशू है, लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलेगा तो जरूर स्टार्ट करेंगे। ओके सर। हाँ क्योंकि ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग के लिए भी अच्छा है और बहुत अच्छा हो जाएगा, सारी चीजें अच्छी हैं सर। लेकिन कैसा है कि मतलब ऑफलाइन, लेकिन ट्रेन स्टार्ट तो होना चाहिए ना, मतलब ट्रैवलिंग का सब होना चाहिए। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। पहला जो टाइप मैंने बताया था सिंपल स्टेटमेंट वाला, वो वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। सर चैट बॉक्स पे किसी ने डाउट पूछा है? सर मैसेज आया है चैट बॉक्स पे, एक मिनट देख लेता हूं मेरे मैसेज। एटीन के एज पे कोई बैंक का एग्जाम रिलीज होता है क्या? 18 पे बैंक का एग्जाम्स? 21 के एज में तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो 18 के एज में तो बैंक का एग्जाम्स तो नहीं होता सुधीर, लेकिन आप एक बेनिफिट है आपका, अगर कम एज में अगर स्टार्ट करते हो तो आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे 10th बेस पर आप एमटीएस दे सकते हो, 12th बेसिस पर मतलब 18 के एज के बाद आप सीएचएसएल दे सकते हो, बेस्ट जॉब है और जल्दी लगता है जॉब एसएससी का, टेंशन नहीं है, सेंट्रल जॉब है। आप एसएससी का एज लिमिट क्या है? एसएससी का देखो सेम वही है, अगर आप सीजीएल की दे रहे हो तो 30 और सीएचएसएल 28, एमटीएस 25, वही है। तो सेकंड ईयर से करो। हां सुधीर मेरा सेकंड ईयर है, नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएशन हो जाएगा। मतलब कोई बात नहीं सुधीर, अभी आपको बहुत बेस्ट टाइम पे आए हो, क्योंकि देखो बहुत लोग क्या करते हैं ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। आप क्या कर रहे हो ग्रेजुएशन के साथ ये ले रहे हो, आपका जब आप जैसे ग्रेजुएशन हो जाएगा तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करके एग्जाम निकलना रहेगा, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं रहेगा, आपने यहाँ पे टाइम कवर कर लिया, बेस्ट टाइम है आपका।
सर 19 के जो मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा 19 या 20 तो 21 मिनिमम है क्या 21 नहीं नहीं मिनिमम ऐसा मतलब बैंकिंग के लिए आप ग्रेजुएशन ऐसा एज लिमिट नहीं है 18 जब भी आपका ग्रेजुएशन हो जाए चले चाहे वो 18 की एज में हो जाए चाहे 19 की एज में हो जाए जैसे बहुत लोग स्किप कर देते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड पढ़ाई नहीं करते गांव से एडमिशन लेते डायरेक्ट यहां पे मुंबई में आते हैं जैसे होता है ना बहुत लोग स्किप करते हैं तो अगर वैसा हुआ तो हो जाएगा कोई बात नहीं लेकिन ग्रेजुएशन चाहिए बैंक का जो हेलो सर हां हां सर सब लोग बोलते हैं एसएससी क्लियर करने में 2 साल चले जाते देखो ऐसा कुछ भी नहीं है करने वाले तो एक ही साल में निकाल लेते जिसको नहीं करना हो तो जिंदगी भर लगा रहता है तो वो बात नहीं है लेकिन किसी चीज को पाने के लिए टाइम तो लगता ही है पहले तो आप समझ ले चलो चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो आपका 3 to 4 months तो आपको पोर्शन में जाता है अगर आप इजी वे में जाते हो तो एकदम इजी आ रहे हो तो 3 to 4 months अगर आप डेडिकेशन के साथ में हो तो आपका पकड़े चलो 2 months में कम्प्लीट हो जाएगा फिर आपको 2 months लगता है प्रैक्टिस करने में 2 to 3 months आपको पोर्शन को अच्छे तरीके से समझने में लगता है फिर 1-2 months लगता है आपको कमांड स्पीड में लाने में और एक्यूरेसी लाने में तो 6 months में आप थोड़े प्रिपेयर हो जाते हो तो 6 months के बाद जब एग्जाम देना स्टार्ट करते हो ना तो आपके एग्जाम्स निकलने शुरू हो जाते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है फिर आप जैसे एक बार आप प्री निकाल लोगे मेन से निकलता तो ये फेलियर थोड़े आते हैं 1-2 बार फिर 1-2 बार जब इसको फेस कर लोगे ना तो 1-1.5 साल में आपका एग्जाम निकल जाता है कोई ऐसा बड़ी बात नहीं लेकिन आपके कमियों पे काम करना जरूरी है जैसे मैंने काम नहीं किया हाँ मेरा नहीं हुआ तो आप लोग भी वैसा गलती मत करना कमियों पे काम करना जरूरी है सर सैलरी हाइक होती है ना जॉब लगने के बाद में एसएससी में तो बहुत होता है मैम जॉब लग गई ना तो फिर सैलरी का मजा ही है मजा ही है सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलो ना सर जैसे कि प्री दे दिया मेंस क्लियर नहीं हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है ना फिर से प्री दो नहीं फिर से प्री देना पड़ेगा सर ऐसा होता क्या यस यस और अभी चेंजेस होने वाला है अभी इस तरीके से चेंजेस होने वाला है क्योंकि एक बार आपको प्री देना है अभी अब तक हुआ नहीं ना एक बार मैं रुक जाओ लेट मी कंप्लीट एक बार आपको प्री देना है एक बार आपने प्री दे दिया तो उसकी 3 साल वैलिडिटी है ऐसा कुछ तो अभी चेंजेस होने वाला था अभी तक हुआ नहीं है तो एक बार आपने प्री दे दिया तो उसकी वैलिडिटी 3 साल रहेगी फिर 3 साल तक आप मेंस देना है और ये बहुत अच्छा तरीका है जनरली क्या होता है लोग प्री और मेंस में इसमें फंस जाते हैं प्री मेंस एक बार आपने प्री दे दिया टेंशन खत्म फिर मेंस में ही पूरा फोकस होगा और एक बार मेंस निकलेगा दूसरे बार नहीं निकलेगा दूसरे बार निकलना ही है क्यों नहीं सही है और ये सही है सर और ये होने वाला इम्प्लीमेंट होगा जल्दी ही होगा इस साल होने वाला था लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया कोरोना के वजह से सर पहला वाला आपने क्या लिखा ऊपर स्टार्ट के लिए क्वेश्चन पहला हाँ उसके आगे सब ब्लर दिख रहा है ब्लर दिख रहा है हाँ सर थोड़ा दिख रहा है नो सर नहीं दिख रहा है सर परफेक्ट है सर वो लाइट आ रहा है उसपे ना इसके वजह से लाइट आ रहा है एक मिनट रुक जाओ मैं कैमरा थोड़ा सेट कर देता बस सर परफेक्ट है हाँ देखो यहाँ पे देखो ये है पहला वाला टाइप सिंपल स्टेटमेंट वाला जो एक सिंपल आपको स्टेटमेंट दिया होगा आपको 2 conclusions दिए होंगे मिनिमम इसमें 3 conclusions भी आते हैं 4 भी आते हैं जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा पहले हम 2 conclusions से प्रैक्टिस करेंगे पहले इजी टू मॉडरेट जाएंगे देन मॉडरेट टू हाई पे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो देखो पहला टाइप हम लोग सीख रहे हैं सिंपल स्टेटमेंट वाला ये सिंपल स्टेटमेंट वाला टाइप है स्टेटमेंट गिवन है कंक्लूजन भी गिवन है और एग्जाम में भी इसी तरीके से आपको दिया होगा स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपको क्या करना है स्टेटमेंट कंक्लूजन उठाना है और स्टेटमेंट से मैच करना है कि वो राइट है या रॉन्ग है अकॉर्डिंगली आपको उसके आपको टिक मार्क करने होंगे तो देखो मैं आपको बता देता हूँ रूल तो हमें याद है कि हम लोग सीधा जाते हैं तो साइन को सीधा रखेंगे अगर उल्टा जाते हैं साइन को उल्टा रखेंगे प्लस अगर मिक्स हो गया साइन कैंसिल करना है
कैंसिल करना है, पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है तो बड़ा साइन पिक करके उठा लेना है कंक्लूजन से। देखो यहाँ पे ए से टी में जाना है, ए से टी में करो सीधा जा रहे हो आप, साइन सीधा रखो, क्या क्या साइन मिला, ग्रेटर मिला, यहाँ पे मिला इक्वल। अब ये दोनों साइन, बड़ा साइन कौन सा होता है ऑलवेज आपको पता है, ग्रेटर। इक्वल की कोई वैल्यू होती नहीं है, आपको पता है मैंने बता दिया था इक्वल की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे ग्रेटर आपको मिला और ग्रेटर यहाँ पे गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट पहला वाला सही है, पहला वाला सही। सेकंड पे आते हैं के से टी में जाना है। देखो के यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, के से टी में आप जा रहे हो, देखिए उल्टा जा रहे हो सीधा जा रहे हो, उल्टा उल्टा जा रहे हो, तो साइन को भी आप उल्टा करोगे। देखो यहाँ पे ग्रेटर क्या बन जाएगा हमारा, लेस देन, और यहाँ पे लेस देन इक्वल बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। अब आगे मैं नहीं लिखूंगा, आगे ये साइन नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ही वो कैंसिल हो गया, कैंसिल ही हो गया ना, मिक्स हो गया, कैंसिल हो गया, चाहे मैं आगे कितना भी साइन हो सब कैंसिल होने वाला ही है, एक बार हो गया तो आगे भी सारे कैंसिल होने वाले हैं। इसको मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मिक्स ग्रुप का साइन हो गया और कंक्लूजन को भी रॉन्ग कर दिया। तो मैं ऑप्शन क्या चूज करूंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट वाला ट्रू है तो ओनली फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। क्लियर, ये सैंपल क्वेश्चन, अब मैं आपको क्वेश्चन दो आप सॉल्व करोगे। हाँ सर, इसमें का ही देना सिंपल वाला है, सिंपल स्टेटमेंट, देन हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसे रफ कर दो। हाँ सर कर दो। सब कुछ समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, बताइए सब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर, यस सर आ रहा है। अगर कोई डाउट हो पूछ लीजिए, एग्जाम नजदीक में आ रहा है, कोई शर्माएगा नहीं कि सर सब लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, एग्जाम नजदीक आ रहा है, किसी को सोचने से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सीरियसली डाउट होगा बिंदास पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई इतना टाइम स्पेंड नहीं है, सब नॉर्मल ही है। सो फर्स्ट का फर्स्ट फॉलो है, सेकंड फॉलो, बाकी लोग आपके आंसर्स आपके बुक में मार्क कर लीजिए। वी टू यू चले से फर्स्ट है ना, उसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है सर, फर्स्ट का फर्स्ट फॉलो। ओके और तीन क्वेश्चन से सॉल्व करिए। सेकंड का दोनों आंसर, दोनों आंसर रॉन्ग, रॉन्ग है सर सेकंड का, सेकंड का दोनों रॉन्ग आ रहा है। ओके थर्ड का दोनों फॉलो है सर, थर्ड का क्यू से टी में दोनों फॉलो कैसे हो गया, देवांशी, गीता, क्या आंसर है आकांक्षा? यस सर सेम है, सेम आंसर है, फर्स्ट का फर्स्ट फॉलो, सेकंड का दोनों रॉन्ग, थर्ड का सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट फॉलो, वी टू यू। ओके चलो सॉल्व करते हैं। यस सर, देखो यहाँ पे वी से यू में जाना है, अब वी टू यू में जा रहे हो, पहले ये चेक करिए सीधा जा रहे हो, सीधा सीधा साइन को एज इट इज लिख लीजिए, जो इन तीनों के बीच में है इक्वल मिला है, लेस देन मिला है और इक्वल मिला है, और आपको पता है कि इक्वल सबसे छोटा साइन होता है, तो बड़ा साइन क्या मिला हुआ है,
यहाँ पे मेरा लेस देन है और लेस देन यहाँ पे गिवन भी है तो ये हमारा करेक्ट पहला रैंक हम लोग का भी सही है। यस सर। ओके अब यहाँ पे देखो Z टू F में जाना है। Z किधर है? यहाँ पर है। F इधर है। उल्टा। Z में उल्टा जा रहे हो आप, तो साइन को उल्टा लिख लीजिए। यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे लेस देन इक्वल बनेगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल। देन ये लेस देन बनेगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल। और जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें कौन सा साइन मिलेगा? ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन। और वो हमारे पास नहीं है। नहीं है एग्जैक्टली, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओनली फर्स्ट फॉलो। फॉलो। क्लियर? यस सर। चलिए सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट में किसी को डाउट है पूछ लीजिए। नो सर। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। y टू m में जा रहे हैं। y टू m में देखो सीधा जा रहे हैं और एक ही सिग्नेचर मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल का। तो ये ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पर है क्या? नो। तो ये हमारा आंसर रॉन्ग है। क्लियर? यस सर। चलिए अब ओ टू एस में देखो, ओ यहाँ पर है और एस यहाँ पर है। ओ टू एस में देखो अगर आप उल्टा आ रहे हो तो साइन को भी उल्टा करेंगे। यस सर। साइन को उल्टा करेंगे तो ये ग्रेटर हमारा बन जाएगा लेस देन, लेस देन हमारा बन जाएगा ग्रेटर। देखो आगे साइन नहीं है, आगे हम साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम इधर ही कैंसिल हो गए, क्योंकि इधर ही यहाँ पर कैंसिल हो गया है। आगे भी लेंगे तो भी वो कैंसिल ही होने वाला। मान लो अगर कुछ भी ऐसा साइन होता तो भी वो पूरा कैंसिल ही होता। तो ये कैंसिल हो गया तो ये भी पूरा कैंसिल हो गया। और जब दोनों कैंसिल होगा तो या तो हम ऑप्शन में लिखेंगे नन फॉलो, नन फॉलो, नाइदर फॉलो, सेकंड नाइदर वन नॉर। क्लियर एवरीवन? किसी को सेकंड में डाउट है? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यू से टी में जाना है। क्यू इधर है, टी इधर है। क्यू से टी में आप उल्टा जा रहे हो। उल्टा उल्टा कर लो। उल्टा साइन लेस देन इक्वल होगा ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल। और इक्वल एज इट इज इक्वल होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल हमारा बनेगा लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल साइन मैच नहीं हो रहा। मैच हो रहा है क्या? साइन मिक्स है ना स्टूडेंट्स? बताइए पूरे क्लास में सिर्फ दिख भी जाइए क्या? और कोई नहीं है? मिक्स हो रहा है सर। हाँ चलो, तन्वी ने बोला एटलीस्ट। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये मुझे दिग्विजय का आवाज आ रहा है, बाकी किसी का आवाज नहीं आ रहा। अरे यार तो ओ में जाना है उल्टा। आर टू ओ में जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। साइन को भी उल्टा करेंगे। लेस देन अगेन बनेगा ग्रेटर देन, और ये लेस देन इक्वल बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, और इक्वल बनेगा एज इट इज इक्वल। ये सही है। चंद्रशेखर म्यूट कर दो, चंद्रशेखर प्लीज म्यूट कर दो, घर का फैन का आवाज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तीनों ग्रुप का जो तीन साइन मिला है एक ही ग्रुप का है ना? यस सर। यस सर। तो जब एक ही ग्रुप का साइन है तो कंपेयर करेंगे तो बड़ा साइन क्या होगा? ग्रेटर। ग्रेटर देन। और ग्रेटर यहाँ पर एज इट इज है क्या? कुछ ये तीन क्वेश्चन हमने रूल के अकॉर्डिंग सीखा। अभी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा शॉर्टकट कैसे करना है। पहले मुझे ये बताना ये तीनों क्लियर है या नहीं, तो ही शॉर्टकट समझ में आएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। सभी लोग बताओ क्लियर है? क्लियर है। चलो इसको लिख लिया आप लोग ने? रफ कर दूं? नहीं सर, एक मिनट लिखना है। इसको लिख लो, फिर लिख लो इसको, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ओके। हो गया सर। क्लियर? रफ कर दूं स्टूडेंट? बाकी लोग बताओ रफ कर दो? यस सर कर दो।
कोई सॉल्व नहीं करेगा, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो, कोई सॉल्व मत करो, यहाँ पे देखो शॉर्टकट सीख रहे। तो ये हम लोग का मार्क होता है बैंकिंग एग्जाम्स में, ये हाथ के क्वेश्चन हम लोग को छोड़ना नहीं है। अब बहुत इजी होते, देख रहे हो आप किस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, इजी है या नहीं पहले ये बता दो, कोई डिफिकल्टी है सर? नहीं। और ये ना मैं बोलूं मैक्स टू मैक्स तीन क्वेश्चंस भी अगर आते आपके ये, हाँ बोलो, इसमें दोनों में दोनों स्टेट में सीधा ही है। हाँ देखते हैं, मैं वो ये कह रहा था कि अगर आपको तीन क्वेश्चंस या चार क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं तो आपके ये तीन या चार क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स आपके 15 या 20 सेकंड के अंदर पढ़ना चाहिए। मतलब 20 सेकंड के अंदर आपके ये क्वेश्चन विद शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, 20 सेकंड के अंदर आपके 3 मार्क्स तो कवर होने ही चाहिए मिनिमम 3 मार्क्स। ये अगर ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो देखो रूल वापस रिवाइज कर देता हूँ मैं, अगर हम सीधा जाएंगे साइन को सीधा रखना है, उल्टा जाएंगे साइन को उल्टा रखना है, उल्टा रखना, मिक्स हो गया साइन कैंसिल कर दो, अगर मिक्स नहीं हुआ मतलब कंपेयर करो और कंपेयर मैच करो कंक्लूजन से। अभी यहाँ पर देखो सारी चीजें वही करना है, सिर्फ एक चीज ऐड करना होगा। देखो जेड टू एन में जाना है, मैं एक सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, पूरा ध्यान यहाँ पे देना शॉर्टकट का, जेड टू एन में जाना है, आपने देखा जेड टू एन, लेकिन आप देखो यहाँ पे तरीका वही है ना, पहले भी हम लोग यही कर रहे थे जेड टू एन में जा रहे थे। एक चीज ऐड कर देना ऊपर सिग्नेचर में, देखो मिक्स रूप का साइन है क्या? हाँ है? देखो यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, मिक्स हुआ कि नहीं? अलग अलग ग्रुप का साइन, स्टूडेंट्स बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। ये आंख बंद करके हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, लेकिन नहीं yes, क्लियर, सेकंड भी रॉन्ग है। पी टू आर में जाना है, अगेन चेक करो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या, तो देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिया, लेस देन दिया, आग बंद करके कैंसिल कर, ए भी कैंसिल ही है, बस कैंसिल है। और क्लियर हुआ स्टूडेंट? यस सर, यस सर। मतलब अगर आपका मिक्स ग्रुप का साइन आता है देन उसको कैंसिल कर देना है सर, वो ऑन द स्पॉट उधर ही हो जाएगा कैंसिल, ऑन द स्पॉट जगह पे करना है कैंसिल। चलो और क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करेंगे हम लोग, जहाँ पे मिक्स ग्रुप दिखेगा, और अभी से आपको पेन पेपर उठाना नहीं है, ओरली सॉल्व करना है, अभी आप पेन पेपर उठाओगे। देखो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओरली सॉल्व करना, देख के समझ में आ जाएगा आपको। देखो सभी लोग यहाँ पे देखो, देख लो मत सॉल्व करो, यहाँ पे देख लो, जिससे नहीं आया आंसर कोई बात नहीं, उनका भी आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे एल टू ई में जाना है, आप देखो एल टू ई में आप पहले ये चेक करो इनमें से मिक्स रूप का साइन है क्या, पहले ये चेक करो। नो सर, नहीं है, मतलब कंपेयर होगा, कंपेयर होगा, कंपेयर होगा, तो आप ऊपर ही डिसाइड कर लो बड़ा साइन क्या है, ऊपर ही डिसाइड कर लो बड़ा साइन क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ पे आएगा लेस देन, लेस देन, लेस देन का, लेस देन, लेस देन, बट उल्टा आने की वजह से वो क्या बन जाएगा, लेस देन हमारा ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Yes, ओरली करना है सारी चीजें। देखो हमने पहले क्या देखा कि इसमें मिक्स ग्रुप का साइन है क्या, देखा नहीं है, नहीं है, नहीं मतलब कंपेयर होगा, तो हमने क्या किया ऊपर ही कंपेयर कर लिया, यहाँ पे क्या मिला लेस देन, लेस देन उल्टा रहे थे ना, तो लेस देन हमारा क्या बन गया, ग्रेटर देन, करेक्ट हो गया सर। अगर यही एल ई के जगह ई एल होता तो फिर ये रॉन्ग हो जाता, राइट? यहाँ पे कहाँ पे सीधा जाते ना फिर हम, जैसे यहाँ पे एल और ई पूछता है, यस यस, तो रॉन्ग हो जाता, सीधा जाते तो यहाँ पे आता लेस देन, बट यहाँ पे दिया ग्रेटर देन, हो जाता ग्रेटर देन, तो रॉन्ग होता है, रॉन्ग हो जाता। क्लियर स्टूडेंट? किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, पूछना है कुछ? नो सर,
चलिए आगे बढ़ते हैं, सी टू जे में जा रहे हैं। आप देखो सी टू जे में मिक्स ग्रुप डबल है, चेक कर लो। यस सर है। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे आ गया लेस देन, कैंसिल रॉन्ग है। अब बताओ वो लिख के सॉल्व करने में और इस तरीके से सॉल्व करने में काफी फर्क हुआ कि नहीं? यस सर, इसमें जल्दी हो गया। 100% एक्यूरेसी भी समझ में आ रही है, 100% एक्यूरेसी भी समझ में आ रही है कि मिक्स हो गया। मतलब अगर आप आंख बंद करके करके हो गया ना तो मतलब वो करेक्ट ही निकलेगा और ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब मैं क्वेश्चन दो, आप सॉल्व करोगे सिंपल स्टेटमेंट? हाँ सर, हाँ सर दे दो। ओरली सॉल्व करना, बाद में क्वेश्चन लिख के टाइम दूंगा मैं आपको। रफ कर दूं इसे मैं? यस सर। हाँ सर कर दो। फर्स्ट रॉन्ग है सर, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड सही है। पहले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का सेकंड सही है। ओके क्वेश्चन तो लिखने दो। सर इसमें सर फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला सही है। फर्स्ट वाला सेकंड वाला, फर्स्ट वाला राइट है, फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला रॉन्ग है। थर्ड में सेकंड रॉन्ग है सर, के एन सी सर, सेकंड थर्ड में सेकंड रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग, फर्स्ट रुको 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 और आ रहे हो सर। थर्ड में फर्स्ट रॉन्ग है सर, थर्ड में सर फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड भी देख लो, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ देख लो। और किसी के क्वेश्चंस मतलब आंसर आने बाकी, मैं वेट करूं कि डायरेक्ट सॉल्व? नहीं सर, हो गया। ओके बाकी लोग को पूछ लेता हूं मैं, बाकी लोग प्लीज बताइए डायरेक्ट सॉल्व करें या आज चलेगा? सॉल्व करें, चलो। यस सर, पहले का सेकंड राइट है। ओके चलो, पहले का क्या आंसर आया आप लोगों का? सेकंड राइट, सेकंड सबका वही आ रहा है। यस सर, यस सर। ओके सेकंड का देखो सिंपल है, एन टू एस में जाना है, चेक करो मिक्स रूप का साइन है क्या एन टू एस के बीच में। यस सर, कैंसिल कर दो, सिंपल कैंसिल हो डायरेक्ट। पीसीक्यू में देखो एक ही साइन दिया है और ये साइन इधर दिया है, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है, ये सीधा जा रहे हैं तो एज इट इज ले लिया हमने, अगर उल्टा जाते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। क्लियर एवरीवन? यस सर। नए स्टूडेंट में समझ में आ रहा है क्या सबको? मुझे प्लीज बताओ, नए स्टूडेंट जिसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सब, कोई है? यस सर आ गया समझ में। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा फास्ट फास्ट नहीं जा रहे हैं ना हम लोग, बाकी लोग बताओ फास्ट नहीं जा रहे हैं ना? नो सर। चलो एम टू जे में जाना है, देखो एम टू जे में उल्टा जा रहे हो आप, पहले ये चेक करो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या, मिक्स ग्रुप का साइन है क्या, पहले चेक करो। नो सर, नहीं सर, नहीं है। मतलब कंपेयर होगा, अभी ऊपर ही कंपेयर कर लो, बड़ा साइन क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल है ना, बट उल्टा आ रहा है, इसके वजह से क्या बन जाएगा, Less than equal.
20 रुपए साइन है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कैंसिल कर दो आप बंद करके। कैसे ही में देखो 20 रुपए साइन है क्या? यस सर। कैंसिल कर दो आग बंद करके। क्यू से ही 20 रुपए साइन है क्या? नहीं। और एक ही साइन दिया एज इट इज, यहाँ पर भी है तो करेक्ट कर देंगे। यस सर। किस इधर जा रहे हैं ना साइन एज इट इज। यस सर। अब जी से एफ में देखो, जी से एफ में देखो 20 रुपए साइन है क्या? नहीं। नहीं मतलब कंपेयर होगा और बड़ा साइन मिला लेस देन, बट उल्टा निकलेगा बनेगा ग्रेटर देन, इसलिए ये राइट है, करेक्ट हो जाएगा। चलो और मैं 5 क्वेश्चन देता हूं, देन हम लोग आइदर और के रूल सीखेंगे 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद। पहले ये लिख लेते हैं। हां ये लिख लीजिए। कोई डाउट है इसमें? किसी को पूछना है नए स्टूडेंट में? सर अपना ज्योति मैम को बुक का कवर पेज नहीं सेंड किया। कौन सी बुक का मैम? मैंने लास्ट पे आपको पूछा था कि एसएससी के लिए जो आप बुक कर रहे हो उसके लिए। कौन सा पूछा? कौन सा बोलूं? एसएससी के लिए जो आप क्वेश्चंस निकाल रहे थे ना वो बुक। नहीं मैम उसका गरज ही नहीं है ना, मैं आपको उसमें से पढ़ाऊंगा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो वो आप बुक क्यों ले रहे हो, मतलब पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हो? देखो आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप एक काम करिए, आप ग्रेडअप डाउनलोड कर लो ऐप से। देखो पैसे क्यों बर्बाद करना, ग्रेडअप डाउनलोड कर लो। ग्रेडअप डाउनलोड करके उसमें एसएससी से लॉगिन करो आप। मेन आपका एसएससी से प्रैक्टिस करना है कि बैंकिंग से कर रहे हो आप? एसएससी। तो एसएससी से लॉगिन कर लो आप, फिर वहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट करके होता है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने अभी अपना इनइक्वालिटी पढ़ा रहा हूँ, जैसे मेरा इनइक्वालिटी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन आप ग्रेडअप पे जाके उसकी प्रैक्टिस कर लेना 100 क्वेश्चंस, हो जाएगा फ्री में आपका काम। ओके। आपको नए नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। हां ग्रेडअप में ना चैप्टर वाइज नहीं आ रहा है, मुझे मिल ही नहीं रहा है, मैं कैसे करूं? सर चैप्टर वाइज नहीं है। है चैप्टर वाइज कैसे? सर चैप्टर वाइज ग्रेडअप में है चैप्टर वाइज, बट ना मेरे को करने ही नहीं आ रहा है चैप्टर वाइज। देखो आप जब भी ग्रेडअप पे जाओगे ना ऊपर आएगा प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करके ऊपर का ऑप्शन आता है, प्रैक्टिस पे जब आप टिक करोगे ना तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट आएगा इंग्लिश मैथ रीजनिंग, देन आप रीजनिंग पे टिक करो, तो रीजनिंग पे टिक करने के बाद आपको सारे चैप्टर्स क्लियर आ जाएंगे, तो वहाँ पे कर लेना आप सॉल्व। सारे चैप्टर एक साथ नहीं सर, मुझे एक एक चैप्टर ऐसा करना है। हाँ एक 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 ही वहाँ पे, मतलब सारे चैप्टर्स के नाम आएंगे पर्टिकुलर पर्टिकुलर वैसा। अच्छा अभी आप जाओ ऐप पे जाओ, मेरे पास तो ऐप भी नहीं है। सर मैं हूँ ऐप पे ही, अब बताना। हाँ जाओ ऐप पे जाओ। एक मिनट सर, बैंकिंग के लिए भी सेम ऐप है? सेम सेम सेम। सर एक मिनट हम लोग भी चालू कर देते हैं। अरे बाकी लोग का लिख के हो गया क्या, पहले ये बताओ। हाँ सर हो गया, yes, हो गया लिख के। सर मैं गई ग्रेड अप पे, अभी क्या करूँ वहाँ पे? देखो सर एक मिनट मेरा। हाँ 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 कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस दिख रहा है क्या वहाँ पे? प्रैक्टिस करके तुम टॉप पे देखो। दिखा सर दिखा, क्लिक करो प्रैक्टिस पे, क्लिक करो आप, दिखा वहाँ पे। हाँ वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है इंग्लिश जनरल अवेयरनेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बस वही है, बस आप क्लिक करके अपने हिसाब से देते रहो। ओके ठीक है। हाँ सर थैंक यू सर, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हाँ रफ कर दूँ, क्वेश्चन सॉल्व करें, मिल गया दिख दीजिए आपको भी? हाँ सर मिल गया। हाँ सर हो गया सर। 14 चैप्टर ही है ना सिर्फ? 14 ऐसे आपने किससे लॉग इन किया वो डिपेंड करता है, किससे लॉग इन किया आपने? सर मेरा बैंकिंग एसएससी रेलवे तीनों है, तो उसमें क्या लिखूं बैंकिंग की एसएससी? आप बैंक डाल दो और दूसरे फोन से एसएससी से लॉगिन करो। ओके एंड सर मैं ये ऐप स्टोर पे ग्रेडअप डाल रहा हूँ तो कोई और ही लैंग्वेज में आ रहा है डाउनलोड करने के बाद भी। आईफोन होगा? हाँ आईओएस है। यस तो फिर उसका तो इशू अलग है सर,
सर वेबसाइट पे नहीं आ रहा है पर ग्रेड अप पे। हेलो सर, वेबसाइट पे नहीं आएगा वो, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। हेलो सर। हाँ 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 बोलिए बोलिए सर। ये फोन में एसएससी और रेलवे का कर लेता हूँ, उसमें बैंकिंग और दूसरा कर लेता हूँ। हाँ कर लो कर लो। अच्छा मैं बोल रहा था कि आपको ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा ग्रेड अप एप्लीकेशन, वेबसाइट पे नहीं आएगा। एंड ये iOS में भी नहीं आ रहा, तो क्या करना है उसके लिए? उसके लिए ये रहेगा ना उसका स्टोर रहेगा ना, एप्पल स्टोर रहता है ना, क्या रहता है वो? नहीं सर ऐप स्टोर, ऐप स्टोर। लेकिन इसमें कोई और लैंग्वेज में ही है अंदर? हाँ कि फिर तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे तो उतना एप्पल का नॉलेज नहीं है। मैं मतलब हाँ बोलो सर। चैप्टर में इनइक्वालिटी मैंने ये सर्च किया उस पे टच, तो वहाँ पे ना प्रैक्टिस कर क्या रहा है, फिर प्रैक्टिस के नीचे टॉपिक लिखा है कोडेड डायरेक्ट इनइक्वालिटी मिसिंग इनइक्वालिटी रिवर्स इनइक्वालिटी। क्या करूं अभी? अभी कुछ मत करो अभी, हम लोग चल रहा है सिंपल स्टेटमेंट वाला हमारा चल रहा है, देन डॉट कॉमा होगा, देन कोडेड हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, जब मैं बोलूंगा कि चैप्टर कंप्लीट, देन प्रैक्टिस करो। अभी कुछ मत करना, कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो मुझे इसलिए मैं कर रही थी। सब पहले का दोनों रॉन्ग है। हां सेकंड का फर्स्ट राइट है ना सर? सेकंड का नहीं, फर्स्ट राइट है। हां फर्स्ट राइट है, राइट है, राइट है, राइट है। बोथ पॉलोस आर सेकंड का। ओके टी एंड डब्ल्यू लेस देन ग्रेटर देन की होती है सेकंड वगैरह बोथ। थर्ड का बोथ रॉन्ग है सर। थर्ड का बोथ रॉन्ग आ रहा है। हां सर थर्ड का बोथ रॉन्ग है। I2L ठीक है बोथ रॉन्ग करेक्ट। फर्स्ट का बोथ रॉन्ग है। फर्स्ट का बोथ रॉन्ग है। R2S R2S यस रॉन्ग। E2L करेक्ट। सेकंड का बोथ फॉलो है। बोथ फॉलो P2W yes correct both follow third bata do yeah find a T I or L third ka both wrong hai third ka both wrong hai sir chaliye solve karte hain baaki log ka bhi answer same hai yes sir yes sir yes sir R2S mein jana hai check karo mix group ka sign hai है क्या बताओ? हाँ तो रॉन्ग कर दो, बताओ फटाफट। हाँ है रॉन्ग कर दो। ई टू एन में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? हाँ सर यस सर। एच टू एस में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? नो सर। मतलब कंपेयर होगा, मतलब कंपेयर होगा लेस देन, कंपेयर किया तो क्या मिला लेस देन इक्वल, बट वो उल्टा आने की वजह से क्या बनेगा ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। यहां पे दिया है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। E से W में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? नो सर। मतलब कंपेयर होगा, कंपेयर किया तो क्या साइन मिला? ये वाला साइन मिला, ये वाला लेस देन करेक्ट हो जाएगा। F टू A में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? यस हां सर कैंसिल। I टू L में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? यस हां। हमने यहां पे शॉर्टकट्स के थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर ली और मतलब ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई है। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ। जो लास्ट वाला ऑप्शन था ना आइदर वन और सेकंड फॉलो वाले रूल्स, जैसे हमने ये सीखा था ना कि ओनली फर्स्ट फॉलो कभी चूज करना है, ओनली सेकंड फॉलो कभी चूज करना है, बोथ फॉलो कभी चूज करना है, या नाइदर वन नॉर कभी चूज करना है, ये हमने सीखा था ना। जैसे यहाँ पर देखो दोनों रॉन्ग हो गया तो क्या चूज किया था हमने? नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो या नन फॉलो ऑप्शन पर टिक करना है हमें। अभी यहाँ पे फर्स्ट वाला ट्रू हुआ था तो क्या चूज करना था हमें? ओनली फर्स्ट फॉलो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड राइट होता तो क्या चूज करते हम लोग? ओनली सेकंड फॉलो। अगर दोनों राइट होता तो क्या चूज करते? बोथ फॉलो। हमने देखा था। लेकिन एक और एक ऑप्शन था, आपको याद है मैंने बताया था कि उसका कुछ रूल है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। आइदर वन और सेकंड फॉलो, ये मैंने बताया था। देखो पांचवा ऑप्शन, हाउ यू वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अब मैं इसके कुछ रूल्स बताता हूँ। तो हमारा आज का जो लेक्चर है
जो हमने आज हमने बेसिक देखा उसके रूल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए, देन शॉर्टकट अप्लाई करके देखा। अब ये रूल है ना, ये रूल आगे सब पे अप्लाई होगा, जैसे डॉट कॉमा पे भी होगा अप्लाई, कोडेड पे भी यही रूल अप्लाई होगा। बट आइदर और का आज हम कंप्लीट कर देते हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, डॉट कॉमा वाला सीख लेंगे और कोडेड वाला सीख लेंगे। पंकज करायचं ना, पब्बीला खेळायला काढलं असतं। पांडा झडपडत, पंग हे बंद करून ठेव ना। तो अब भी हम लोग आइदर और के रूल सीखेंगे, तो आइदर और के रूल पे आते हैं। इसे रफ कर दूं मैं, क्लियर नहीं सर। अच्छा ये बताओ, सबको क्लियर है अभी तक जितना हमने पढ़ा है, किसी को कुछ डाउट है पूछना है? नहीं सर, अभी तक क्लियर है। नोट डाउन करना कर लीजिए, फिर आइदर और के रूल पे आते हैं। यस सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन पे नन फॉलो है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? नाइदर वन नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलो। थर्ड, आपने थर्ड पे बोल रहा हूँ कि टिक नहीं किया है। नहीं नहीं, वो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैंने मतलब एक ओके okay. जब वो मतलब समझाने के हिसाब से कि क्या okay. क्या ऑप्शन होते हैं, मैंने ऐसे ही एग्जांपल। ओके okay. हो गया सर, हो गया। हो गया हो सर। हाँ लिख लिख। Yes, sir. Hello, sir. हाँ बोलो चंद्रशेखर। सर ये पूछना था सर, SSC JD का जो फॉर्म आया है, हाँ हाँ सर, वो फिल कर सकते हैं क्या? उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, सेम रहता है क्या? सेम सेम सेम, कुछ भी फर्क नहीं। ठीक है सर, तो भर सकते हैं ना सर, मैथ्स रीजनिंग सेम ही रहता है ना? सेम सेम सेम। आ गया क्या? ओके सर, थैंक यू सर। सर अभी जो इन्होंने बताया वो फॉर्म आया है क्या? हाँ फॉर्म आया है। देखो आइदर और के रूल, आइदर और के रूल में आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि ये आइदर और है, कि ऑप्शन पर टिक करना है या नहीं करना है, तो उसके सिंपल तीन ही रूल होते हैं। पहला, आपके दोनों जो कंक्लूजन होने चाहिए वो रॉन्ग होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में उसके जो नेम होते हैं, जब कंक्लूजन में जो नेम होते हैं, जैसे कंक्लूजन जो दिया होता है ना, कंक्लूजन नंबर वन एंड टू, ए ग्रेटर देन एल या फिर ए इक्वल टू एल, तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, ए और एल है। और सेकंड कंक्लूजन में भी देखो सब्जेक्ट कौन है, ए और एल है, तो दोनों देखो सेम है या नहीं है, है ना? चाहे इसका ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे एल इक्वल टू ए हो, बट सब्जेक्ट तो सेम ही है ना। हाँ। तो सब्जेक्ट शुड बी सेम होना चाहिए। हाँ। सेम होना चाहिए मतलब सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब अगर एक के जगह पे साइन दिया है, फॉर एग्जांपल ले लो यहाँ पे ए दिया है, तो यहाँ पे ए और बी दिया है, तो यहाँ पे बी और ए दे दे, लेकिन फिर भी सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट शुड बी सेम। और थर्ड, ये दो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए और सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, राइट? थर्ड वाला थोड़ा ध्यान से देखना, थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला रूल ये कहता है कि इसमें भी दो आता है, दो रूल आते हैं, मतलब अगर आप देखा जाए
तो थर्ड में भी दो रूल आते हैं, जैसे पहला आपका इक्वल का साइन होना चाहिए या फिर ग्रेटर का साइन होना चाहिए, या लेस देन का साइन होना चाहिए या फिर ऐसा साइन होना चाहिए, तो आइदर और का रूल बनेगा। दूसरा तीनों साइन होना चाहिए, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल। अब मैं वन बाय वन सारी चीजें समझाता हूँ। ऐसे देखो एक एग्जांपल के साथ, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना, देखो कोई लिखेगा नहीं, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अगर आपको स्टेटमेंट में दिया है ए ग्रेटर देन इक्वल टू एल ग्रेटर देन इक्वल टू ओ इक्वल टू लेस देन ई दिया, और कंक्लूजन में दे दिया ए पहला ए ग्रेटर देन एल ए ग्रेटर देन ओ सेकेंड ए इक्वल टू ओ, पहले आप ये फाइंड आउट करके बताओ ये दोनों कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है। पहले ये बता दो मुझे। राइट है। अच्छा रॉन्ग है। रॉन्ग है दोनों रॉन्ग है। हमने देखा दोनों रॉन्ग आया, दोनों रॉन्ग है सर, दोनों रॉन्ग आया। तो पहला वाला रूल यहाँ पे हमारा ये होना चाहिए, दोनों रॉन्ग होना चाहिए, तो यस दोनों यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सब्जेक्ट शुड बी सेम। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट सेम हो गया, हुआ क्या नहीं? हो गया। तीसरा रूल यहाँ पे देखना हमें कि तीसरा रूल कैसे फाइंड आउट करें। तीसरा रूल हमें ऐसे फाइंड आउट करना है, बताता हूँ कैसे। ए टू ओ में जाना है, आप ए टू ओ में गए आपको फाइनल सिग्नेचर मतलब क्या मिला, बड़ा साइन क्या मिला। आपने देखा आपको क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल मिला कि नहीं मिला। और ग्रेटर देन इक्वल कैसे बनता है, ग्रेटर और इक्वल को मिला के बनता है ना। यस सर। तो देखो यहाँ पे एक बार ग्रेटर दिया है, दिया है कि नहीं दिया, दिया है इक्वल दिया है, इट मींस ये आइदर और के रूल में आ गया हमारा। मतलब ऊपर वाले स्टेटमेंट में जो साइन दिया हो उसका बाइफर्केशन होना चाहिए नीचे वाला कंक्लूजन, देन वो आइदर और के रूल में आएगा। किसी को डाउट है या क्लियर नहीं हुआ है तो बताइए। नहीं हुआ है सर, एक बार बताओ सर। इसका आंसर आइदर वन और आइदर टू है ना। अच्छा ये दोनों क्लियर हुआ, दोनों ये दो पॉइंट क्लियर हुआ सर। पहला वाला क्लियर हुआ, पहला और दूसरा क्लियर हुआ, कंक्लूजन और है। तीसरा में क्या करना है, तीसरा में आपको ये देखना है स्टेटमेंट में जो साइन मिला है वही साइन कंक्लूजन से मैच होना चाहिए। जैसे देखो ए टू ओ में जाते वक्त आपको क्या साइन मिला, बड़ा साइन ऑलवेज पिक करना, जैसे हम लोग बड़ा साइन पिक करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल, यही साइन मिला ना। हाँ ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल कैसे बनता है, ग्रेटर और इक्वल को मिला के बनता है ना। यस सर, बरोबर ना। तो हाँ। आपको वो कंक्लूजन में चेक करना है, तो कंक्लूजन में चेक करो क्या वही साइन है क्या। देखो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल देन आई एम ऑपरेटर। यस सर। क्लियर? यस सर। तीसरा के लिए क्लियर। अभी अगर ऐसा आया तो ये यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे ए लिखा है तो फॉर एग्जांपल ए का एग्जांपल डाल दो, ए का एग्जांपल डाल दो और इसे नोट डाउन करो आइदर और के रूल में। तो इसका क्या आएगा पता है, आइदर वन और सेकंड कंक्लूजन कंक्लूजन फॉलो फॉलो। किसी को डाउट है, पूछना है कुछ? नहीं सर। स्टूडेंट्स बताइए कुछ पूछना है सर। नाइदर वाले सर, नाइदर वाले भी सम्स होते हैं क्या? नाइदर वाले होते हैं ना। नाइदर में क्या होता है, नाइदर में कोई रूल नहीं होता। नाइदर में क्या होता है कि अगर आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए देन उसको नाइदर नॉर पे टिक कर देना। और एक बात बता रहा हूँ, और एक बात ध्यान रखना यहाँ पे आइदर और के रूल में, अगर आइदर और के रूल में अगर आपके फर्स्ट और सेकेंड रूल फॉलो हो रहे और थर्ड वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है देन ऐसे कंडीशन में आपको नाइदर नॉर पे टिक करना है। याद रखिए आइदर और के ऑप्शन में तभी आप टिक कर सकते हो जब भी आपके तीनों रूल फॉलो होंगे तो ही आप टिक कर सकते हो, अदरवाइज आप टिक नहीं कर सकते। क्लियर? तो बाकी
रूल फॉलो हो गया और कोई भी एक रूल फॉलो नहीं हुआ देन नाइदर नॉर पे टिक कर देना, और जब तीनों रूल फॉलो हो गया देन आइदर नॉर पे टिक करना। आइदर क्लियर स्टूडेंट, कोई डाउट है? यस सर। नो सर। सर चैट बॉक्स पे मैसेज आया। हाँ हाँ अक्षय बोलो, अक्षय बोलो क्या हुआ, क्लियर है? रफ करूं मैं, किसी को पूछना है इसमें? सर एक मिनट लिखना है। थर्ड का वो बता दो ना वापस। थर्ड का बता दो। सर एक्चुअली ना मुझे एक चीज पूछनी थी, फॉर एग्जाम्पल सर ऐसा मतलब कोई ऐप है क्या जिसमें हम लोग को सारा चीज पता चल सकता है कि ये एग्जाम की ये फॉर्म डेट है, ये एग्जाम की ये एग्जाम डेट है? गूगल, बस गूगल ही है, गूगल से सब पूछो। अब ग्रैड पे भी आता है, ग्रैड ऐप पे भी आता है? नहीं ऐप डाउनलोड कर लो ना सब पे, वो तो सारा नोटिफिकेशन अड्डा 247 पे भी आता है सब। हाँ सर उस पे मेल देता है आपको डेली, सब कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा डेली। हाँ सर अड्डा भेजता रहता है मेल पे। हाँ मेल नहीं आपको नोटिफिकेशन पे भी आते रहेगा, ऐप में भी नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं और अगर नहीं भी आता है गूगल से पूछ लो, गूगल सब बताता है, गूगल बाबा सब बोले। और थर्ड वाला रूल मैं ये कह रहा था, देखो थर्ड वाला अनिश आपने पूछा था ना, किसने पूछा था? मैं नहीं पूछा था सर। अनिश देखो थर्ड वाला रूल ये है, थर्ड वाला रूल में आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो ए टू ए में जाते वक्त जो आपको एक्चुअल सिग्नेचर आपको स्टेटमेंट से मिला है, जैसे यहाँ पे हमें एक्चुअल से क्या मिला, हमें ग्रेटर देन इक्वल मिला था। हाँ। तो ग्रेटर देन इक्वल मिला था, बट अगर ग्रेटर देन इक्वल डायरेक्टली आता तो हम लोग राइट कर देते, बट हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिया नहीं है इसके लिए तो रॉन्ग किया ना हमने। तो देखो बट ग्रेटर देन इक्वल जो होता है वो बनता कैसे, ग्रेटर और इक्वल को मिला के बनता, बरोबर ना? तो अनिश देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल हमें ये बाइफर्केट करने के बाद दो मिला है, अब ये जो दो मिला है ये आपको कंक्लूजन से मैच करना होगा, अगर ये सेम हो गया देन आइदर और में आएगा, अगर सेम नहीं हुआ देन आइदर नॉर में जाएगा। तो देखो ग्रेटर दिया है, दिया है यहाँ पर, इक्वल दिया है यहाँ पर, देन आइदर और के रूल में चला गया। प्लस आपको ये भी दो रूल देखना है कि मतलब कंक्लूजन दोनों रॉन्ग होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट में जो साइन मिला है वो साइन को बाइफर्केट करने के बाद वो कंक्लूजन में भी मैच होना चाहिए। तो देखा हमने दोनों मैच हो गया तब जाके आइदर और के रूल में आएगा। अगर मान लो यहाँ पर अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल ना दिया हो, लेस देन इक्वल दिया होता तो ये कैसे बनता, लेस देन और इक्वल को मिला के बनता ना। तो क्या यहाँ पर लेस देन दिया है? नहीं ग्रेटर देन दिया है। नहीं यहाँ ग्रेटर देन दिया। तो रूल फॉलो होगा क्या तीसरा, बताओ मुझे? नहीं फॉलो होगा। देन ऐसे कंडीशन में आपको नाइदर पे टिक करना है, नाइदर पे टिक करना। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो इसको लिख लो आप, फिर मैं रफ करके सेकंड वाला रूल बताता हूं, इसको लिख लो। सर ये फर्स्ट वाले का एक एग्जांपल और बता दो ना, ये इसके ऊपर और एक एग्जांपल चाहिए। थर्ड का ये है ना उसके ऊपर, ये वाला। हाँ 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 वही उधर साइड में सर दिख रहा है, क्लियर है ना? दिख रहा है ना प्रॉपर यहाँ पे? यस सर। यस सर ठीक है। बताओ क्या आएगा आंसर, पहले चेक करो दोनों राइट है कि रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है ठीक है। हाँ। आपने देखा दोनों रॉन्ग है ठीक है। अब दोनों के सब्जेक्ट देखो, दोनों सेम है क्या? सब्जेक्ट हाँ सर। हाँ सर सेम है, सेम है, सब्जेक्ट सेम है।
ग्रेटर देन इक्वल मिला। अब ये ग्रेटर देन मिला फॉरगेट करो पहले, तो क्या मिलेगा ग्रेटर और इक्वल को मिला के ग्रेटर देन इक्वल बरोबर। अब ये साइन चेक करो क्या वही साइन है क्या, देखो हाँ सर मतलब ये आइडेंटिकल रूल में गया क्लियर। ओके यस सर। सर सर फॉर एग्जांपल दोनों में से कोई एक सही हो जाता और एक रॉन्ग हो जाता तो आइदर ऑर के रूल में नहीं आता मैम। अगर वो सही हो गया तो आइदर ऑर, यस आइदर ऑर में कैसे जाएगा फिर, वो सही हो गया मतलब आपका आंसर मिल गया ना। यस सर। सर आइदर ऑर में हमेशा रॉन्ग ही आना चाहिए। एग्जैक्टली हमेशा ही होगा आइदर ऑर में। अगर वो सही हो गया इट मींस आपका आंसर मिल गया आपको। मिल गया तो सर थैंक यू सर। ओनली वन आएगा ना कहां पे कहां पे, मतलब जैसे कि एक राइट है सेकंड रॉन्ग है तो ऑप्शन लिखेंगे वहां पे फायदा ओनली वन देना नहीं। यस थैंक यू सर। चलो हो गया इसको, ये क्लियर है सब लोगों ने लिख लिया। यस सर। हां सर। अब ये वाला साइन देखो सेकंड वाला, ये बी वाला साइन देखो और ये सी। बी वाला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ए वाला एग्जांपल्स हो गए हमारे पास। ए वाला क्लियर है सबको, किसी को पूछना है? यस सर। स्टूडेंट्स बताओ क्लियर है क्या? हाँ सर ठीक है। यस सर। अब बी वाला एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल बी वाला देखते हैं हम लोग। देखो बी वाले एग्जांपल में सेम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, देखो कंक्लूजन नंबर वन दे दिया, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू ई। बताइए इसका सब्जेक्ट तो सेम नहीं है। नहीं लेकिन मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट सेम ही है मैं बताऊंगा इसके, बताता हूं मैं। पहले ये बताओ दोनों कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग। दोनों रॉन्ग है? रॉन्ग है सर। ठीक है आपने देखा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, ठीक है सब्जेक्ट है सर, सब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि सर सब्जेक्ट सेम नहीं है, आप देखो यहाँ पे बोलोगे सर ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बट यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है, तो सर सब्जेक्ट सेम कैसे हुआ? मैं कहता हूँ सेम हुआ। क्यों सेम हुआ? डी और ई इक्वल है, इक्वल टू ई है, मतलब डी ही ई है और ई ही डी है। ओके okay. और ए है, ए है और ए, ए नहीं ए ए ओ नहीं है भाई। नहीं सर ओ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ डी इक्वल टू ई मतलब डी जो है वही बंदा ई है, इक्वल दिया ना। ओके okay. इक्वल मतलब वही है मतलब बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल दिग्विजय मान लो, अगर आप दिग्विजय, आपका नाम दिग्विजय, आप घर पे आपका नाम विजय हो, लेकिन विजय और दिग्विजय तो एक ही बंदा है ना, जैसे समझ रहे हो, जैसे आपका नाम दिग्विजय है तो आपका नाम तो ऑफिशियल नेम दिग्विजय, बट आपका निक नेम विजय समझ लो, तो पर्सन तो एक ही है विजय और दिग्विजय। हाँ तो यहाँ सेम चीज वही है, डी इक्वल टू ई है, तो डी जो है वो ई है, ई इक्वल टू डी है, इसके लिए सब्जेक्ट ये दोनों सेम है। देखो ए ए सेम हो गया और डी और ई दिया हो ना, तो एक बार चेक कर लेना कि डी इक्वल टू ई है क्या, तो हमने देखा डी इक्वल टू ई मतलब सब्जेक्ट सेम हो गया, तो सब्जेक्ट सेम मिला हमें। Yes. अगर सर इक्वल टू नहीं होता तो, हाँ सर इक्वल टू नहीं होता तो ये हमारा आइदर और बनता ही नहीं। ओके तो हमारा सब्जेक्ट सेम होता ही नहीं तो आइदर और नहीं बनता। हाँ नाइदर नॉर पे, नाइदर नॉर। ओके बस सर वही क्लियर करना था। तो ये हमारा सब्जेक्ट सेम हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो सर। हाँ अब दो कंक्लूजन से एक्सप्लेन कर रहे, तो एग्जाम में अगर चार कंक्लूजन आएगा तो चारों रॉन्ग होने चाहिए तभी आइदर और ऑलवेज दो से ही बनेगा, भले आप 100 कंक्लूजन दे दो आइदर और ऑलवेज दो से ही बनेगा। ओके ऑप्शन में दो ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं क्योंकि अभी चार ऑप्शन है। मैं सिखाऊंगा आगे, मैं सिखाने वाला हूं आगे। मैं आज तो पहला लेक्चर है, मैं सिखाऊंगा। आप यहां पे देख लो दो ऑप्शन से ही, पहला पॉइंट दो ऑप्शन से ही आपका आइदर और बनेगा, भले कितने भी ऑप्शन हो वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। पहले आप ये देख लो बेसिक, आप सीख लो पहले बेसिक, स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो आपने देखा दोनों रॉन्ग हो गया, दोनों के सब्जेक्ट सेम हो गए। अब आपको तीसरा पॉइंट फाइंड आउट कैसे करना है, सेम तरीका ए से डी में देखो क्या साइन मिल रहा है। फाइनल साइन क्या मिला यहाँ पे? मिला लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल मिला ना फाइनल साइन ए से डी में।
अब लेस देन इक्वल कैसे बनता है, लेस देन और इक्वल को मिला के बनता equal. है यस सर। अब यहाँ पे देखो क्या, अब वो कंक्लूजन से मैच करो क्या वो साइन है क्या, तो देखो लेस देन है इक्वल दिया है, देन हम आइदर और पे चला जाएगा। क्लियर? यस सर। कर लो फॉर एग्जांपल बी डाल के नोट डाउन कर लेना। सर जो एसएससी जीडी का एग्जाम है सर, सपोज जैसे अभी इसमें एनआईए की वैकेंसी निकलती है, तो अगर एनआईए क्लियर करते हैं तो वो भी मतलब जो भी पोस्ट मिलेगी वो तो कांस्टेबल की मिलेगी बराबर। हाँ तो सर उसमें ऐसा होता है क्या डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आगे पोस्ट के लिए हम जा सकते हैं? सारे एग्जाम्स होता है सारे, मतलब अगर सपोज एनआईए सीआरपीएफ है ये सब है तो उसमें हाँ, तो फिर मैं मतलब अगर सपोज एनआईए में हो जाता है तो उधर जाके मैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देके उसी फील्ड में आगे बढ़ सकती हूँ? तो मुझे कोई अलग से जैसे गवर्नमेंट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा ना, सिर्फ उसी में? ठीक है सर। अभी इसका थर्ड का सी, थर्ड का सी, हाँ सर ये हो गया। रफ कर दूं इसे? रफ कर दूं मैं? हेलो यस सर। हेलो हाँ ईशाक बोलो। नहीं मतलब आइदर मींस होता है ना रॉन्ग होता है और नाइदर मींस राइट होता है, राइट? नहीं नाइदर का भी मतलब रॉन्ग ही होता है, दोनों रॉन्ग होते हैं। आइदर में क्या होता है, आइदर और नाइदर में फर्क समझो। देखो नाइदर और आइदर इन दोनों में क्या फर्क होता है, आइदर और नाइदर नॉर में फर्क क्या होता है? नाइदर में दोनों रॉन्ग होते हैं, आइदर में भी दोनों रॉन्ग होते हैं। फर्क दोनों में डिफरेंस कैसे समझे, तो नाइदर में कोई रूल नहीं है, अगर दोनों रॉन्ग हो गया मतलब डायरेक्ट पुट कर दो। आइदर में रूल है कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। देखो ना ये तीनों रूल, जब आप ये तीनों रूल फॉलो करेंगे तो ही आपको आइदर में टिक करना, अदरवाइज आपको दोनों रॉन्ग हो गए तो नाइदर में टिक करना। इसमें से एक भी अगर रॉन्ग, तीनों में से एक भी रॉन्ग हुआ तो नाइदर में, एक भी रॉन्ग हुआ, एक भी रूल फॉलो नहीं हुआ, देन नाइदर नॉर में जाएगा। और अगर तीनों फॉलो हो गए तो आइदर, देन आइदर और में जाएगा। क्लियर? ओके थर्ड वाले पे आते हैं हम लोग। यस सर जी। रफ कर दूं? यस सर नीचे का कर दूं। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला, फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेस देन सी इक्वल टू एच दिया है। कंडीशन नंबर वन ए ग्रेटर देन सी, कंडीशन नंबर टू सी ए लेस देन इक्वल टू सी। अब बताइए बट देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है, यहाँ पे आपके तीनों सिग्नेचर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ग्रेटर आए, ग्रेटर देन इक्वल कैसे बनता है, ग्रेटर प्लस इक्वल और इक्वल को मिला के बनता है। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल आ गया और यहाँ पे आ गया लेस देन, तो क्या हमारा तीनों सिग्नेचर आया कि नहीं? आया आया। अब कंक्लूजन में देखो तीनों सिग्नेचर है कि नहीं, ग्रेटर एक बार आया, हाँ लेस देन आया और एक बार इक्वल आया। और हमारा तीसरा रूल यही है कि अगर तीनों सिग्नेचर स्टेटमेंट में है, तीनों सिग्नेचर हमारे कंक्लूजन में है, दोनों रॉन्ग है, सब्जेक्ट सेम है, देन आइदर और के रूल में जाएगा। क्लियर? नहीं सर एक बार और बता दो। सर मुझे ना फर्स्ट का राइट आया। अच्छा कैसे आया भाई, फर्स्ट कैसे राइट आया? देखो एक बार ना, ना ना भाई देखो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि दोनों रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट सेम हो गया। अब साइन कैसे पिक करेंगे आप? साइन पिक करने के लिए आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टेटमेंट में क्या क्या साइन मिला।
स्टेटमेंट में आप देखो क्या क्या साइन मिला, स्टेटमेंट में आप देखो क्या साइन मिला, ग्रेटर देन इक्वल मिला, तो ग्रेटर देन इक्वल को बायफर्केट करो, ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल इक्वल ठीक है, और क्या साइन मिला, लेस देन मिला, लेस देन लिख लिया तीनों साइन। अब ये तीनों साइन को मैच करो क्या किधर किधर है, तो एक बार क्या मिला ग्रेटर, तो ग्रेटर कट कर दो, यहाँ पे मिला ना ग्रेटर, तो अपने ग्रेटर यहाँ पे मिल गया, मतलब ये हो गया। अब दोबारा सिग्नेचर लेना नहीं है। अब यहाँ पे मिला लेस देन, तो लेस देन एक बार हो गया। अब ये मिला यहाँ पे इक्वल इक्वल, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, मैच हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स, मैच हुआ कि नहीं, फाइनल सिग्नेचर जो मिला था स्टेटमेंट के थ्रू वो कंक्लूजन से मैच हुआ या नहीं हुआ, बताइए हुआ, देन ये हमारा आइदर और के रूल में चला गया, सिंपल। अब भाई क्या करना है, ऊपर वाले स्टेटमेंट में जो सिग्नेचर मिलता है वो कंक्लूजन से मैच हो गया, देन आइदर और के रूल में चला गया। अब बाकी के रूल तो फॉलो हो रहा ही है, दोनों रॉन्ग सब्जेक्ट्स सेम, आइदर और के रूल में चला गया। क्लियर एवरीवन, किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर, नोट डाउन कर लीजिए। ओ सर, साइन दो बार आएगा तो? नहीं, दो बार नहीं आएगा, अगर दो बार नहीं आएगा गारंटी है, आइदर और के रूल में एक ही बार आपको साइन पिक करना है, दो बार कभी नहीं आएगा। जैसे देखो दो बार आएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, मैं आपको लूंगा ना आपको, तो ये तो आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस हो गया। ओके, देख लीजिए, बोलो हो गया सर? हाँ सर हो गया, बाकी लोग का हो गया, रफ कर दो। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे पता है, नेक्स्ट लेक्चर में आइदर और की ये जो क्वेश्चन है, आइदर और की ये वाले, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस को देखेंगे कि आइदर और के क्वेश्चंस एग्जाम में आते कैसे हैं, और किस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से मैं आपको बिल्ड करके दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, और सर आफ्टरनून में मिलते हैं, आफ्टरनून में मिलते हैं। हाँ बोलो। अच्छा सर, जो भी फॉर्म जो भी नोटिफिकेशन आएगा कोई भी स्ट्रीम का, तो ग्रुप में नोटिफिकेशन आएगा ना, हम लोग को एक भी मिस तो नहीं होगा? नहीं, एक भी मिस नहीं होगा, ग्रुप में आ जाएगा। तो सर अभी देखिए ना, किसी ने तो बोला ना कि एसएससी का फॉर्म निकला है करके, जीडी का ना, तो एक मैं वही बोल रहा हूँ, सेफर साइड क्या करो आप ना, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो, अड्डा 247 डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, या फिर हाँ बस उस पर आते रहेंगे नोटिफिकेशन। सर ये वाला नोटिफिकेशन ग्रुप में क्यों नहीं आया सर? मैम आपको एक बार किस कौन से ब्रांच से हो आप? थाने ब्रांच। एक बार मैम से कांटेक्ट कर लो। कौन सा फॉर्म है सर? ये एसएससी सीईटी एसएससी का फॉर्म। देखो मैम इसके बारे में तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं तो पढ़ाता हूँ ना, मैं मैनेजमेंट सर, मैं बस कंफर्म कर रही थी, मैं वही मैं बता रहा हूँ, मैं जस्ट मैनेजमेंट का काम मेरा नहीं होता है इसके लिए, तो एक बार आप सर ये फॉर्म कब तक है, लास्ट डेट? आईडिया नहीं है मुझे कुछ भी इसके बारे में, क्योंकि मैं देख मैम सर अगस्त तक है, लास्ट अगस्त तक है। ओके ओके, इतना पता है कांस्टेबल का है, और आप भर दो फॉर्म। ओके सर, चलो अब मिलते हैं। क्लास लाइक कभी निकलेगा? एसबीआई का हो गया, कब का हो गया सर? और कौन से फॉर्म निकले अभी? एसबीआई नाबार्ड का निकला है अभी, निकला नाबार्ड का, तो छोड़ दो अभी नाबार्ड का तो बोल नहीं सकते, बहुत हाई है फिलहाल, क्लरिकल पे फोकस करो, नाबार्ड बड़े लेवल की बात है। तो मैं वही बोल रहा था, जो एसबीआई कांस्टेबल का है वो 12th बेस पे दे सकते हैं? एसबीआई कांस्टेबल का नहीं, एसएससी का है। ओके सर, सेम सिलेबस है ना उसका, ये वाला बैंकिंग का? यस डेफिनेटली सेम 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 सिलेबस, कोई बात नहीं है सर। बोलो सर, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? कंप्यूटर के रिलेटेड उसके हिस्ट्री पूछा जाएगा आपको, और शॉर्टकट कीज पूछे जाएंगे, यही सब होते हैं, और क्या, फाइल्स के नेम्स पूछे जाते हैं, जेपीजी क्या होता है वो सब पूछा जाएगा आपको, बेसिक क्वेश्चंस। ये एसएससी कांस्टेबल मतलब इसमें क्या वर्क रहता है, एक बार बता दीजिए ना, मुझे नहीं पता है। कांस्टेबल जॉब, कांस्टेबल कैसा होता है, पुलिस कांस्टेबल कैसा होता है? हां हां, वैसे ही रहता है। ओके ओके, हेलो सर। हां हां, ये लास्ट, ये पीपीओ में लास्ट लास्ट एज कितनी रहती है? 30। आप अगर कास्ट में हो तो शायद रिलैक्सेशन मिल जाए, ओपन के लिए 30 है।
आप कास्ट में हो इशार ओपन हां मेरा जनरल है जनरल 30 से हां बोल रहा था अच्छा मतलब 5 इयर्स है मेरा लास्ट 5 इयर्स है ना आपके पास बहुत है 25 है ना मेरा 25 बहुत है बहुत टाइम है क्लर्क निकल हो गया बहुत टाइम है मेडिकल तब तक निकल जाएगा आपका और पीओ के तो और भी बहुत टाइम है चलो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में और थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे थैंक यू सो मच क्लास मिलते हैं बाय सर बाय बाय टेक केयर एवरीवन